स्टोरेज सर्विस, स्टोरेज या अपन इसको वेयर हाउस बोल देते हैं, वेयर हाउसिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं। या फिर आप एक और नाम ले सकते हो, डेटा लेक। HDFS इज ए डेटा लेक, वी स्टोर डेटा इन HDFS इन हडोप। द सेकेंड कंपोनेंट वी टॉक अबाउट इज यान। द लास्ट सेशन वी टॉक अबाउट यान। सो व्हाट इज यान? यान इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क मैनेजर। तो यान अपना रिसोर्स मैनेजर है। वी यूज यान फॉर टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, वी कॉल इट रिसोर्स मैनेजर। एंड यान का काम है कि जितने भी नोड्स अपने पास रखे हुए हैं सिस्टम में, जितने भी आपके क्लस्टर में जितने भी नोड्स हैं, लाइक 100, 200, 1000, 10,000, हर नोड की रिपोर्ट रखना कि किस नोड पे कितना वर्कलोड है, कौन सा नोड कितना फ्री है, और अगर कोई नई जॉब आती है, ठीक है, कोई भी नई जॉब आ रही है, कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है, तो वो जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, अब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क अपने डिफरेंट है। हडोप वर्जन 3 अपन यूज़ कर रहे हैं, 2 अपन यूज़ कर रहे हैं। तो यान एक्चुअली काम करता है रिसोर्स मैनेजमेंट का, रिसोर्स निगोशिएशन का। तो किसी भी एप्लीकेशन को रन होने के लिए क्या चाहिए होता है? रिसोर्स चाहिए होता है, वो रिसोर्स आपको यान प्रोवाइड करेगा। तो आप यान से क्या करोगे? रिसोर्स की डिमांड करोगे। तो इस वजह से क्या होता है कि आप अगर कोई भी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बना सकते हो, तो अपने पास इसके ऊपर क्या होता है, अपने पास एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देर आर सो मेनी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स आर देयर, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में वैसे तो बहुत सारे हैं, पर अगर अपन इन जनरल बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं मैपरिड्यूस को। तो अगर अपन एप्लीकेशन के ऊपर जाएँ, तो अपन ने मैपरिड्यूस कंप्लीट कर लिए, वो अपना एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। अब देखो, मैपरिड्यूस को अगर काम करना है, मैपरिड्यूस में अपन जॉब सबमिट करते हैं। अभी तक अपन ने एज ए क्लाइंट, अगर आपको कोई भी कोड रन करना है हडोप के HDFS डेटा के ऊपर, डिस्प्ले डेटा के ऊपर, तो ऐसे क्लाइंट आपके लिखोगे, अपनी एक जॉब लिखोगे, दैट जॉब विल कंटेन योर मैप रिड्यूस स्क्रिप्ट, मैप एंड रिड्यूस स्क्रिप्ट्स। एक मैप कैसे करोगे, रिड्यूस कैसे करोगे डेटा को, उसके आप स्क्रिप्ट्स लिखोगे। यू विल राइट मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग, यू विल बी हैविंग सम इनपुट पाथ, यू विल बी हैविंग सम आउटपुट पाथ, और अगर आपको लाइब्रेरी की नीड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी भी अटैच करोगे। जितना भी कोड है, जितनी भी लाइब्रेरीज आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी लाइब्रेरीज आप अपनी जॉब में अटैच करोगे, एंड देन यू विल सबमिट योर जॉब टू मैपरिड्यूस। तो अपन क्या करेंगे, जॉब को सबमिट करेंगे मैपरिड्यूस को। फिर मैपरिड्यूस को जॉब रन करने के लिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूट फ्रेमवर्क है, तो मैपरिड्यूस के अपने पास 2 पार्ट है, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर। तो पहले जॉब ट्रैकर लॉन्च करेगा, जिसकी अपन बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन मास्टर है। उस एप्लीकेशन मास्टर को लॉन्च करने के लिए वो यान से रिसोर्स डिमांड करेगा, फिर यान उसको रिसोर्स देगा। रिसोर्स का मतलब है कंटेनर, अपने बात करी थी CLC रिक्वेस्ट, कंटेनर लॉन्च कंटेक्स्ट। तो ये CLC रिक्वेस्ट करेगा अपना मैपरिड्यूस यान से, यान उसको एक कंटेनर दे देगा। उस कंटेनर पे अपन ये जो अपना मैपरिड्यूस फ्रेमवर्क है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, इट विल लॉन्च इट्स एप मास्टर, इट मीन्स जॉब ट्रैकर एप्लीकेशन। तो जैसे जॉब ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च होगी, वो अपना काम करना स्टार्ट करेगी, वो नेम नोड से कम्युनिकेशन करेगी, और उसको फिर और नोड की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए, उसको वर्कर नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर वो अपना जो जॉब ट्रैकर एप्लीकेशन है, वो वापस यान से बात करेगी, वापस यान से रिसोर्स डिमांड करेगी कि मेरे को इन इन नोड पे इतना इतना इतने इतने कंटेनर चाहिए। तो अगर अवेलेबल होगा, तो यान उस अपनी वर्क अपनी उसकी जो एप मास्टर है, या जो अपना एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, उसको क्या करेगा, अलग अलग नोड पे आपको अलग अलग रिसोर्सेज कंटेनर्स प्रोवाइड कर देगा। उन कंटेनर्स पे आपके जो मेन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मास्टर है, वो अपने वर्कर एप्लीकेशन को लॉन्च कर देगा। मैपरिड्यूस के केस में अपनी वर्कर एप्लीकेशन टास्क ट्रैकर थी, तो टास्क ट्रैकर फिर अपना मैप काम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सपोर्ट शॉर्ट करेंगे, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वापस सब अपना रिसोर्स फ्री कर देंगे, यान को वापस सबमिट कर देंगे। और जो अपना मेन ऐप मास्टर है, जैसे ही वो अपना काम सबमिट करेगा, उसका काम कंप्लीट होगा, एप्लीकेशन जॉब कंप्लीट होगी, वो एंड यूज़र को अपना आउटपुट या मैसेज जनरेट करके दे देगा। तो इस तरह से अपन एप्लीकेशन, अभी अपन ने सिर्फ मैपरिड्यूस को पढ़ा है एप्लीकेशन के लिए। आगे अपन और भी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जैसे अपन यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि अपन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पार्क, जो काफ़ी पॉपुलर है। तो स्पार्क और अपन पढ़ने वाले, और भी आप यूज़ कर सकते हो, देर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स नाउ।
ऑन यान, तो ये सब ऑन टॉप ऑफ यान चलते हैं, यान से रिसोर्स डिमांड करते हैं और अपने जो कंप्यूटेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करते हैं किसके ऊपर, HDFS के ऊपर। तो इतना पार्ट अपने पढ़ लिया है, ये अपना ये जो अपने इनको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स, तो दीज आर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स। तो जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है इनमें दो चीज़ें होती है अपने पास, मास्टर एप्लीकेशन और बकर एप्लीकेशन, ठीक है। और रिसोर्स मैनेजर में दो होते हैं, रिसोर्स मैनेजर नोड मैनेजर, और स्टोरेज में भी हमारे पास दो होते हैं, नेम नोड और डेटा नोड। तो ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट काम करें बहुत सारी मशीन है तो सब में एक एक मास्टर एप्लीकेशन है, जैसे HDFS में नेम नोड मास्टर एप्लीकेशन है, यान के अंदर रिसोर्स मैनेजर मास्टर एप्लीकेशन है, मैपरियोस के अंदर जॉब ट्रैकर मास्टर एप्लीकेशन है, एंड सब के अंदर बहुत सारे वर्कर एप्लीकेशन है। HDFS में बहुत सारे डेटा नोड्स हैं, यान के पास बहुत सारे हर एक नोड को मैनेज करने के लिए बहुत सारी नोड मैनेजर एप्लीकेशन चल रही है, और मैपरियोस अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा अलग अलग नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेडली। सो दैट्स वाई यूजिंग दिस होल फ्रेमवर्क यू कैन मेंटेन योर क्लस्टर, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर, एज वेल एज यू कैन स्टोर डेटा इन साइड ए डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, और यू कैन रन ए एप्लीकेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एज वेल। अब हम बात करते हैं कि अपन जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो जैसे आप मानो कि गूगल गूगल मैप जो काम कर रहा है, अगर गूगल मैप की अपन वर्किंग समझें, गूगल मैप अपने को रियल टाइम ट्रैफिक सिचुएशन बताता है, रियल टाइम आपको लोकेशन बताता है, सारा कंप्यूटेशन रियल टाइम होता है कि रूट में कितना ट्रैफिक है, लाइट है, हैवी है, कितना टाइम लगेगा, तो वो सारा मशीन लर्निंग चल रहा है वहाँ पे, वो प्रिडिक्शन कर रहा है। तो लेकिन अगर अपन अगर मैं अपने खुद को वैसी एप्लीकेशन डिजाइन करनी हो कि अपने को एक मैप बनाना है गूगल मैप की तरह, तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हाउ गूगल मैप इज़ वर्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब अपन डेटा साइंस स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया अगर मेरे को गूगल मैप एप्लीकेशन बनानी है, फिर आप उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या बनाना स्टार्ट करते हो, डेटा पाइपलाइन बनाना स्टार्ट करते हो। और डेटा पाइपलाइन क्या है यहाँ पर कि अपन स्टार्ट करेंगे, अपने को क्या करना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा, कि डेटा कैसा है, वो डेटा कहाँ से आएगा। तो अगर अपन सोचे कि गूगल मैप कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो दुनिया में बहुत मिलियंस ऑफ डिवाइसेज हैं जो क्या रन कर रहे हैं, एंड्रॉयड एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, और उस एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपका जो गूगल है उसको परमिशन है कि वो आपकी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो वो ऐसे एक एप्लीकेशन बनाएगा, क्लाइंट एप्लीकेशन ऐसे बनाएगा जो क्लाइंट एप्लीकेशन आपके मोबाइल से हर एक सेकंड में आपके जो करंट लोकेशन है वो किसको सेंड कर दियो, अपनी मास्टर एप्लीकेशन पे अपने सर्वर को सेंड कर दियो। तो इसमें कितने डिवाइसेस हैं, मिलियन ऑफ डिवाइसेस हैं। आप सोचो कि एक सेकंड में कितना डेटा जनरेट हो रहा होगा, टेराबाइट्स पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा होगा सिर्फ लोकेशन बेस का, कि कौन कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है। फिर तो उस डेटा को गूगल क्लिक कर रहा होगा, उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा होगा, स्टोर करने के बाद उसको प्री प्रोसेस कर रहा होगा, लोगों को मतलब क्लस्टर कर रहा होगा लोकेशन बेस पे कि किस किस लोकेशन पे आदमी है, तो उस जो डेटा अपने पास है उसको लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या कर रहा होगा, क्लस्टर कर रहा होगा। क्लस्टरिंग के बाद में भी एक्यूरेट वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा रहा होगा कि अभी करंटली कितनी स्पीड से चल रहा है, आगे जाके कितनी स्पीड कहाँ पर वो क्या करने वाला है, कहाँ पहुँचने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, वो सारा मशीन लर्निंग कैलकुलेशन कर रहा है और फिर आपको रिटर्न भी कर रहा है रिस्पॉन्स लाइव मैप के ऊपर। तो इसके लिए बिना डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए काम नहीं होगा, और डेटा स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज का अपना जो स्कोप जो टॉपिक है बेसिकली उसको हम बोलते हैं डेटा इंजेस्ट टूल्स, डेटा इंजेस्ट टूल्स। देखो डेटा इंजेस्ट टूल्स क्या होता है अपने पास, डेटा इंजेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें डेटा सबमिट करना है, हमें डेटा लेके आना है। अब डेटा लाने के भी दो तरीके हैं, एक होता है बैच डेटा और एक होता है स्ट्रीमिंग डेटा। जैसे भी अपने जो एग्जाम्पल लिया वो अपने पास स्ट्रीमिंग डेटा का एग्जाम्पल था कि लाइव डेटा अपन फेच कर रहे हैं। अब लाइव डेटा फेच करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रीमिंग डेटा अगर आपको लाइव फेच करना है उसके लिए आप स्पार्क स्ट्रीमिंग पढ़ सकते हो या फ्ल्यूम पढ़ सकते हो। तो फिलहाल तो अपन फ्ल्यूम पढ़ेंगे पहले, फिर अपन स्पार्क स्ट्रीमिंग की बात करेंगे कि अगर आपको लाइव जैसे ट्विटर से लाइव ट्वीट फेच करने हैं, आपको कहीं से भी लाइव डेटा जनरेट हो रहा है कि सेंसर्स से हैं आपके, या जैसे मैप का डेटा जनरेट हो रहा है या स्टॉक मार्केट डेटा जनरेट हो रहा है, वो लाइव डेटा आपको फेच करना है, तो यू विल क्रिएट अ स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। स्ट्रीमिंग मतलब होता है लाइव डेटा फेच करना, जब अपन यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो वीडियोज़ अपने को लाइव मिलते हैं, मतलब लाइव का मतलब है कि वीडियोज़ अपन एक साथ डाउनलोड नहीं करते अपने मोबाइल में, जब जरूरत पड़ती है तब अपन उस वीडियो का जो फीड्स हैं उनको अपन गेट करते हैं, उनको अपन डाउनलोड करते हैं। तो सेम चीज़ बोलते हैं अपन स्ट्रीमिंग जब लाइव डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। बेस डेटा क्या होता है, बेस डेटा अपन मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, यानी
आप क्या करते हो, हर कंपनी अपने डेटाबेस बना के रखती है या कोई छोटे वेयरहाउस बना के रखती है। जैसे मेरे को जयपुर का पूरा डेटा कलेक्ट करना है, तो जयपुर का एक अलग डेटा सेंटर बना रखा है मैंने। फिर मैंने दिल्ली का कलेक्ट करना है, दिल्ली का अलग डेटा सेंटर है, मुंबई का अलग डेटा सेंटर है, और ऐसा करके मेरे हर सिटी में डेटा सेंटर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर जो डेटा जनरेट हो रहा है जयपुर का, उस पूरे डेटा को मैं जयपुर के जो मेरा लोकल डेटा सेंटर है वहाँ पर स्टोर करूँगा। दिल्ली का अपन दिल्ली में स्टोर करेंगे लाइव, और जो अपना बेंगलोर है या जो भी है वहाँ का डेटा अपन वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो जो अपने पास डेटा बेसेस है, लोकल डेटा बेसेस है, अपन उनको स्टोर करेंगे। तो डेटा अपन क्या करेंगे, हर एक एक लाइफ साइकिल होता है डेटा पाइपलाइन में, एक टाइम पीरियड होता है कि हमें हर महीने डेटा अपडेट करना है, ठीक है, हमें महीने के महीने डेटा कलेक्ट करना है। तो हम एक महीने तक डेटा कलेक्ट करते रहेंगे जयपुर डेटा सेंटर में, एक महीने दिल्ली में कलेक्ट करेंगे, एक महीने बेंगलोर में कलेक्ट करेंगे। अब हमें जो डेटा यूज़ करना है वो तो कंबाइंड यूज़ करना है, तो हम सब जगह से डेटा फेच करके कहाँ पर स्टोर करेंगे, एक महीने बाद वो डेटा हम हमारे मेन डेटा सेंटर में या हमारे हडूप के अंदर स्टोर कर देंगे, वापस इनको क्लियर कर देंगे, फिर वापस से अपना हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करेंगे। तो बैच का मतलब होता है कि आप वेट करते हो, आपके पास एक बैच बने, आपके पास एक हिस्टोरिकल डेटा रखा हो। बैच का मतलब ना डेटा रखा हो, ऐसा नहीं कि अपन डेटा लाइव फेच कर रहे हैं, डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, डेटा अपने पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह रखा हुआ है, चाहे वो फाइल्स के अंदर रखा हो, चाहे डेटाबेस के अंदर रखा हो, चाहे कहीं और रखा हो, है ना। पर डेटा अपने पास पहले से अवेलेबल होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, पूरा का पूरा डेटा होता है। फिर उस डेटा को अपने क्या करना पड़ता है, फेच करना पड़ता है। जैसे जयपुर में बेच बन गए, जयपुर में एक महीने का डेटा रखा हुआ है अपना, वो अपने को फेच करना है। तो अपने को पूरा डेटा अपने को लेके आना है अपने हडूप के ऊपर, HDFS में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए अपन बेच एप्लीकेशन लिखेंगे कि बेच प्रोसेसिंग करनी है, बेच डेटा कलेक्ट करना है। इसी तरह HDFS में अपन ने बोला कि अपन बेच प्रोसेसिंग करते हैं। बेच प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, हडूप अपना बेच प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेच प्रोसेसिंग, द मीनिंग ऑफ बैच प्रोसेसिंग इज दैट हडूप HDFS में अपने पास बहुत सारा डेटा अपन कलेक्ट कर लेते हैं, तो डेटा अपने पास HDFS में रहता है, एंड दैट डेटा इज अ हिस्टोरिकल डेटा, दैट इज नॉट अ लाइव डेटा दैट वी आर प्रोसेसिंग। हिस्टोरिकल डेटा रखा हुआ है, उसी को अपन यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, उसी को अपन यूज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए, उसी को अपन यूज़ कर रहे हैं अपनी मैपरिड्यूस एप्लीकेशन के लिए। तो जो भी अपन काम कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल डेटा पे कर रहे हैं, बैच डेटा पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी रखा हुआ है। स्ट्रीमिंग क्या होगा, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होगी, कि मानो लाइव ट्वीट्स आ रही है, लाइव डेटा आ रहा है, ठीक है, मानो आप लोग लाइव कमेंट कर रहे हैं, लोग लाइव वीडियोज अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, लोग लाइव फोटोज अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और उनकी जो एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है वो फिल्टर कर रही है कि कहीं आप जो चीज़ें अपलोड कर रहे हो वो कंटेंट लाइक वैलिड कंटेंट है या नहीं है, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ एडल्ट कंटेंट तो नहीं है, या अपन बात करें कि कुछ जैसे अपन बात करते हैं ना कि रेसिज्म का कंटेंट तो नहीं है, या कोई भी ऑफेंड कंटेंट तो नहीं है, ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं कि कोई वॉयलेंट कंटेंट तो नहीं है, तो सारे कंटेंट फिल्टर करना है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहती, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है कि आपकी सोशल साइट्स पर उस तरह का डेटा नहीं जाना चाहिए। अब सोशल साइट्स तो मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं, मिलियंस ऑफ पोस्ट हो रही है, मिलियंस ऑफ लोग आपस में चैटिंग कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग डेटा अपलोड कर रहे हैं, उस डेटा के ऊपर हमें एप्लीकेशन चलानी है, एक मशीन लर्निंग मॉडल चलाना है जो लाइव डेटा को क्या करेगा, फ्लैग करेगा कि यार ये तो अपना, इसको अपने को पोस्ट करना है, इसको पोस्ट नहीं करना है, तो फिल्टरिंग करनी है अपने को, ठीक है। जैसे फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ फिल्टरिंग आपको लगानी है लाइव डेटा पे, कोई भी आर्टिकल अपलोड करता है या कोई भी न्यूज़ चैनल अपना कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है, तो आपको उसको फ्लैग करना है कि दैट इज़ फेक न्यूज़ और नॉट। तो उसके लिए आपको डेटा लाइव प्रोसेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डेटा आपके पास रखा हुआ है 10 दिन से फिर आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, नहीं, दैट विल बी नोन एज ए स्ट्रीमिंग। तो अपने पास दो तरीके हैं, या तो स्ट्रीमिंग के थ्रू अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फ्ल्यूम विल बी यूज है, या फिर अपन यूज़ कर सकते हैं बेच डेटा को, अगर पहले से रखा हुआ है तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे स्कूप को। तो स्कूप अपना काम आता है बेच प्रोसेसिंग के लिए, और भी टूल्स हैं स्कूप अपना, जैसे अपाचे सेमजा है, अपाचे स्ट्रोम है, उनको भी अपन यूज़ करते हैं, फ्ल्यूम की जगह अपाचे स्ट्रोम यूज़ कर सकते हो, सेमजा यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स अपने पास हैं। ऐसे कलेक्शन के लिए अपन इलास्टिक ELK स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, वो अपने कोर्स में नहीं है, बट अपन ELK स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़ होता है कंपनीज के अंदर। ELK स्टैक का मतलब होता है E4 इलास्टिक सर्च, ओके, L4 लॉग स्टेज, K4 किपाना। तो इस वीक में आपका टास्क है कि आप लोग सब पढ़ोगे इलास्टिक सर्च के बारे में कि ये क्या है, आप पढ़ोगे लॉग स्टेज के बारे में, लॉग स्टेज स्टे, एंड आप पढ़ोगे किबाना के बारे में। किबाना अपना ग्राफिकल टूल है डैशबोर्ड बनाने के लिए। सो किबाना, लॉग स्टेज एंड इलास्टिक सर्च तीनों एक साथ यूज़ होता है, ठीक है। किबाना पे आप अपना डेटा विजुलाइज करते हो, लॉग स्टेज से आप डेटा कलेक्ट करते हो, और इलास्टिक सर्च से आप उसमें कुछ क्वेरी पैटर्न्स को सर्च करते हो अपने डेटा के अंदर, एनालिसिस के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ELK स्टैक भी काफ़ी पॉपुलर है ना, काफ़ी सारी कंपनीज, लाइक इवन बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती है ELK स्टैक मोस्टली।
जिनको जिनके पास लाइव डेटा आ रहा है या जिनको डेटा में कुछ क्वेरी करनी है, कुछ रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो ये और उनको विजुलाइजेशन का डैशबोर्ड चाहिए जहाँ पे वो डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं, प्लॉट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो ईएल के स्टैक अपन यूज़ कर सकते हैं। और अगर ईएल के स्टैक से पहले अगर अपन नॉर्मल काम करना है तो अपन बात करेंगे अपने बैच प्रोसेसिंग की और स्ट्रीमिंग की। तो पहले अपन बैच प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं कि बैच प्रोसेसिंग कैसे वर्क करेगा। तो देखो, बैच प्रोसेसिंग में क्या है, अपने पास डेटा पहले से अवेलेबल होना चाहिए, और स्कोप अपन बात करें तो स्कोप में एक लिमिटेशन है अपने पास, और वो लिमिटेशन क्या है कि जो भी डेटा होता है वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, अपना बताओ सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। कोई भी कंपनी सबसे पहले डेटा कहाँ स्टोर करती है, किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर, RDBMS के अंदर। आप भी अभी एप्लीकेशन बनाते हो, वेब एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो आप, तो आपने पढ़ा होगा पाइथन में कि आप RDBMS यूज़ कर सकते हो। आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, एसक्यूएल डेटाबेस आप यूज़ करते हो या NoSQL, वो आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करते हैं, पर आप RDBMS यूज़ करते हो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि अपने पास एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, उन एसक्यूएल डेटाबेस में अपना डेटा रिकॉर्ड अपन स्टोर करते हैं। तो दुनिया में जितना सबसे ज़्यादा डेटा जो स्टोर हो रखा है वो किसके अंदर हो रखा है, डेटाबेसेस में हो रखा है। तो ये काफ़ी कॉमन जॉब हो जाती है कि ये डेटाबेसेस तो अलग अलग, जैसे आप अमेजन की बात करोगे, अमेजन हो सकता है कि हर कंट्री के अंदर अपने 5-6 सेंटर बनाता हो और उन 5-6 सेंटर का डेटा वो अलग अलग स्टोर करता हो पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन बाद में उसको पूरा डेटा एक साथ कलेक्ट करना है ताकि वो उस पूरे डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सके। तो जो डेटा उन्होंने अलग अलग डेटाबेसेस में स्टोर कर रखा है उन सब में क्वेरीफाई करके उस डेटा को एग्रीगेट करना पड़ेगा, एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन इसको क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं RDBMS अपने पास रखा हुआ है। तो इसके लिए स्कूप टूल बनाया गया है। अब स्कूप से पहले अपन सोचें कि कोई भी डेटाबेस है, जैसे पाइथन में अगर आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, आपने सबने पढ़ा हुआ है पाइथन और सब डेटाबेस पढ़ा हुआ है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, आपको सबको पता है कैसे कनेक्ट करते हैं कि अपने पास एक सर्वर होना चाहिए डेटाबेस का रनिंग, एक SQL सर्वर रनिंग होना चाहिए, वो किसी ना किसी IP पर रनिंग होगा, किसी ना किसी पोर्ट नंबर पर रनिंग होगा। वैसे नॉर्मली अपन जो चलाते हैं वो खुद के सिस्टम पे डिप्लॉय कर लेते हैं डेटाबेस को एज ए डेवलपर, क्योंकि डेवलपर टेस्टिंग कर रहा होता है तो उसके पास कोई रियल सर्वर नहीं होता है, तो उसके पास रियल IP नहीं होती है, तो अपन लोकल होस्ट यूज़ कर लेते हैं कि लोकल होस्ट पर अपना डेटाबेस चल रहा है, और पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट अपना होता है 3306 डेटाबेस का। तो अपनी सर्वर साइड है, अब सर्वर के ऊपर आपका डेटाबेस चल रहा है, तो आपके पास डेटाबेस से रहता है, डेटाबेस आपका सिर्फ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, इफिशियंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आप बोल सकते हो। उसमें आप क्या करते हो, बहुत सारे डेटाबेस बनाते हो कि आपका DB1 रखा हुआ है या आपका DB2 रखा हुआ है, बहुत सारे डेटाबेस आप बना सकते हो, और एक डेटाबेस के अंदर आप बहुत सारे क्या करते हो, टेबल्स बनाते हो कि आपके टेबल 1 है या टेबल 2 है या टेबल 3 है, उन टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं आपके रो एंड टपल्स के अंदर। तो अगर अगर आपको पाइथन के अंदर किसी भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे पाइथन हो चाहे जावा हो, एनी लैंग्वेज, पाइथन एक अलग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको अपनी पाइथन लैंग्वेज के अंदर डेटा एक्सेस करना है, ऐसा सपोज करो जावा में डेटा एक्सेस करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है, यू गाइस विल टेल मी क्या क्या करना पड़ेगा अपने, कैसे अपन डेटा एक्सेस कर सकते हैं। चैट सेशन ओपन है, चैट सेशन में अपना आंसर करो कि कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या 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 नीड पड़ेगा मेरे को, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। बोलो क्या चाहिए आप, सब लोगों ने पढ़ा हुआ डेटाबेस कनेक्ट किया और डेटाबेस आपने आंसर तो फटाफट चैट सेशन में।
नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो कनेक्शन रहेंगे आपकी। सबसे पहले चीज़ आप क्या करोगे, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे ना, बिना मॉड्यूल के कनेक्ट कर सकते हो क्या? इंपोर्ट करेंगे अपन मॉड्यूल, आपने पी वाई माई एस के लिए यूज़ किया होगा, एस क्यू एल लाइट यूज़ किया होगा, कुछ भी यूज़ किया होगा, एस क्यू एल लाइट यूज़ किया होगा, पी वाई माई एस के लिए यूज़ किया होगा, माई एस क्यू एल क्लाइंट यूज़ किया होगा, एस क्यू एल एल के मी यूज़ किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए मॉड्यूल, वी नीड ए पैकेज, वी नीड ए लाइब्रेरी। किस जरूरत पड़ती है अपने को, एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो डेटाबेस जो मैंने डेटाबेस सर्वर्स हैं उनका एक अपना खुद का एक मैकेनिज्म है कि वो किस तरह से बात करते हैं। कोई भी सर्वर और क्लाइंट होता है ना, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कोई भी सर्वर और क्लाइंट, आपने वेब एप्लीकेशन भी पढ़ी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वर क्लाइंट क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उनका जो भी रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट की, सर्वर के पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा क्लाइंट के पास, उनका एक फिक्स क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। अगर वो एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल में ये भी फिक्स होता है कि आप रिक्वेस्ट क्या, कौन कौन से रिक्वेस्ट कर सकते हो, किस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हो, किस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो उसके लिए क्लाइंट एप्लीकेशन आपको डेवलप करनी पड़ती है। क्लाइंट एप्लीकेशन में आप उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो कि कैसे कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपन रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे अपन क्लाइंट के लिए ब्राउजर यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन में, तो अपने को ब्राउज अपने ब्राउजर को पूरा पता है कि HTTP मेथड कैसे रिक्वेस्ट करना है, वो गेट पुट पोस्ट डिलीट सारी रिक्वेस्ट करने के लिए कैपेबल है। तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, आप जो भी लिखते हो ब्राउजर पे, ऑटोमेटिक आपके रिक्वेस्ट को HTTP रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, सर्वर पे भेजते हैं। सर्वर ऑलरेडी एक HTTP सर्वर है। तो जब आप फ्लास्क या जेंगो में काम कर रहे हो, तो फ्लास्क या जेंगो में आप क्या करते हो, आप वहाँ पे ये इंश्योर करते हो कि अगर क्लाइंट गेट रिक्वेस्ट लेके आ रहा है तो कैसे हैंडल करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट लेके आ रहा है कैसे हैंडल करना है, पुट रिक्वेस्ट लेके आ रहा है कैसे हैंडल करना है, और फिर आप उस रिक्वेस्ट के हिसाब से उसका आंसर करते हो। अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट एक प्रॉपर HTTP रिक्वेस्ट नहीं है, तो आपका सर्वर उसको हैंडल नहीं करेगा, उसको रेस्पॉन्स जनरेट करके नहीं देगा। तो ये एक मैकेनिज्म है HTTP का, कैसे वर्क करता है। सेम सारे सर्वर्स ऐसे वर्क करते हैं। SQL के भी अपना प्रोटोकॉल है, SQL प्रोटोकॉल है। तो अगर आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो आपको SQL प्रोटोकॉल आना चाहिए कि SQL से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, SQL सर्वर्स किस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे रेस्पॉन्स ले सकते हैं। पर अपने को नहीं आता है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, अपन एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने को बैकएंड डिटेल्स नहीं पता है, अपने को बैकएंड नहीं पता कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे डेटा एक्सचेंज हो रहा है। आप फ्लास्क यूज़ कर रहे हो, जेंगो यूज़ कर रहे हो, आपने HTTP इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर आप खुद से वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो कोर पाइथन के अंदर विदाउट फ्लास्क विदाउट जेंगो, तो आपको फिर पूरा का पूरा HTTP प्रोटोकॉल पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पाइथन का कोर कोड लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे को सॉकेट्स आते हैं, मैं पाइथन में कोड लिख सकता हूँ, मैं बिना फ्लास्क बिना जेंगो कोर पाइथन के अंदर पूरी की पूरी एक वेबसाइट डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा HTTP प्रोटोकॉल पता है कि कैसे HTTP प्रोटोकॉल वर्क करता है। लेकिन वो तो 4-5-6 साल मैंने इन्वेस्ट करे तब जाके मेरे को पता चला। लेकिन इनिशियली जब मैं गया तो मेरे को इवन CGF में पढ़ता था तो CGF बहुत टफ लगता था, फिर फ्लास्क जिनको पढ़ना स्टार्ट किया तो वो बहुत ईजी था। तो ऐसा होता है कि अपन इनिशियली ग्रिप नहीं कर पाते, तो बेसिक अपने को नहीं पता होता तो अपन एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। फ्लास्क जेंगो क्या है, वो मॉड्यूल्स हैं, वो लाइब्रेरीज हैं जो आपकी हेल्प करती है, वो आप जो भी लिख रहे हो पाइथन में कोड उसको वो HTTP कोड में कन्वर्ट करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही आपको SQL से कनेक्ट करना है, सबसे पहली चीज़ ये नहीं होती है कि अपने को पोर्ट नंबर, IP, ये डेटाबेस का नाम चाहिए, ये तो चाहिए, बिना इनके तो कैसे जाओगे डेटाबेस के पास। वो तो आइडेंटिफायर है कि आप कौन से डेटाबेस पर रिक्वेस्ट करने वाले हो, कौन से पोर्ट पर रिक्वेस्ट करने वाले हो, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो तो सिक्योरिटी रीजन से। हर डेटाबेस सिक्योर होता है, उसका खुद का अपना यूजर मैनेजमेंट सिस्टम होता है हर डेटाबेस के अंदर। तो वो तो नेसेसरी है। डेटाबेस सर्वर है, उस पर लॉगिन करना है तो सर्वर का IP एड्रेस पता होना चाहिए, सर्वर का पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। अगर सर्वर ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं तो आपके यूजर नेम पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके रोल्स डिफाइन हो सके कि आपको क्या क्या परमिशन है सर्वर के टेबल्स के ऊपर, वो रोल आपके ऑथेंटिकेशन से डिफाइन होंगे। उसके बाद में अगर आपको किसी, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेसेज हैं, तो आपको डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए और आपको SQL क्वेरी आनी चाहिए, वो बात की बात है। वो तो डेटाबेस पर काम करने के लिए होना ही चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, लाइब्रेरी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इनको बोलते हैं कनेक्टर्स, SQL के केस में क्या बोलते हैं इनको अपन, कनेक्टर्स बोलते हैं। कनेक्टर्स यानी वो लाइब्रेरीज जो आपके एप्लीकेशन को, आपके जावा एप्लीकेशन को, पाइथन एप्लीकेशन क्या करेगी, आपके डेटाबेस से कलेक्ट करेगी। तो जैसे जावा के अंदर अपन पढ़ते हैं JDBC और ODBC कनेक्शन अपन पढ़ते हैं। JDBC कनेक्शन स्ट्रिंग होती है और ODBC कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। तो आपको दो तरह की लाइब्रेरी मिलती है, या तो JDBC लाइब्रेरी या ODBC लाइब्रेरी। तो अगर आप SQL यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर SQL यूज़ कर रहे हो, JDBC यूज़ कर सकते हो, आप नो SQL वगैरह यूज़ कर रहे हो, ODBC यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप जावा पढ़ते हो, जावा आपको थोड़ी बहुत भी आती है, तो आपको पता है कि आपको दो तरह के कनेक्टर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, आइदर JDBC कनेक्टर और ODBC कनेक्टर। और अपने लिए जावा समझने की जरूरी है कि जावा अपन यूज़ करना चाहेंगे, मैं प्रोड्यूस अपना जावा पे काम करता है,
पाइथन अपना नहीं करता, लेकिन पाइथन में अपन काम कर नहीं सकते। जो स्कूप है वो हडूप का इनबिल्ट टूल है और वो ऑटोमेटिक जावा पे वर्क करेगा, बट कनेक्टर के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो कनेक्टर्स होते हैं अपने पाइथन में, अपने को लाइब्रेरी बोल रहे हो, वो भी लाइब्रेरी है वहाँ पर उसके लिए अपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो कनेक्टर तो पहले अपने को लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कनेक्टर की लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, उसके बाद में आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। क्या होती है? कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है? कनेक्शन स्ट्रिंग ये होती है कि आपका सर्वर सर्वर कहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कौन से सर्वर पे जाना है, कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट करनी है, आपका यूज़र नेम क्या है, कौन से यूज़र से रिक्वेस्ट करनी है, आपका पासवर्ड क्या है, और कौन से डेटाबेस में काम करना है, कौन से टेबल में काम करना है, कौन से डेटाबेस में काम करना है, ये सारी चीज़ें वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज और कनेक्टर टू कनेक्टर डिपेंड करेगा। हर कनेक्टर में एक डिफरेंट तरीके से अपन क्या करते हैं, इन सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं अपने कनेक्टर लाइब्रेरी को, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए कि अपना जो डेटाबेस सर्वर है वो कहाँ पर चल रहे हैं, कौन से पोर्ट नंबर पर चल रहे हैं, ठीक है, कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होना है, कौन से टेबल में काम करना है, और आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। तो ये क्या करेगा, आपकी पाइथन जो आप लिखोगे पाइथन कोड कि मेरे को ये करना है वो करना है, आपने कहा एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, तो बेसिकली वो कनेक्टर के पास गया, कनेक्टर ने कनेक्शन स्टेब्लिश किया डेटाबेस सर्वर से, फिर आपने क्वेरी लिखी, वो क्वेरी कनेक्टर की लाइब्रेरी के पास गई, कनेक्टर लाइब्रेरी ने रिक्वेस्ट सेंड करी एसक्यूएल टाइप की, एसक्यूएल रिस्पॉन्स मिला, उसने आपको पाइथन में कन्वर्ट करके दिया। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, और ये ज़रूरी था समझना। तो अब आप समझ चुके हो कनेक्टर्स क्या हैं। तो पहली चीज़, अगर आपको डेटाबेस पे कोई भी डेटाबेस है, आपको डेटाबेस डेटा कलेक्ट करना है किसके अंदर, HDFS में, तो अपन बात करें डेटा इंजेशन की। तो अगर आप डेटा इंजेशन की बात कर रहे हो तो इट मीन्स वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेसेस एंड वी वांट टू स्टोर आवर डेटा इनसाइड, वी हैव टू स्टोर डेटा इनसाइड आवर HDFS, ठीक है। तो कैसे करेंगे HDFS में? अरे बस कर, ओके, सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो पहले चीज़ देखो, आप डेटाबेस सर्वर आपका होना चाहिए अपने पास, अभी हो सकता है आपके पास विंडोज़ में इंस्टॉल हो, आप यूज़ कर सकते हो उसको, पर मैं लिनक्स में कॉन्फ़िगर कर दूंगा अभी, है ना। तो अपने एक डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उस डेटाबेस सर्वर के ऊपर, सर्वर एक अलग चीज़ है, सर्वर के अंदर अपना क्या होता है, पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, डेटाबेस सर्वर के। जो मैंने बात करी कि वो एक सॉकेट प्रोग्राम होता है जो किसी IP पे चलेगा, किसी पोर्ट पे चलेगा, ठीक है, उसका अपना क्या होगा, एक पूरा यूजर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो चेक करता है यूजर ऑथेंटिकेशन को कि यूजर प्रॉपर है या नहीं है, उसको क्या क्या परमिशन से कौन कौन से टेबल पे क्या क्या वर्क वो कर सकता है। तो अपने पास यूजर मैनेजमेंट सिस्टम भी अपने सर्वर के पास होता है सिक्योरिटी के लिए, तो सारी चीज़ें अपन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो अपना ये डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर अपने पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, तो अपने कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे अपन पहले डेटाबेस के अंदर, तो ये डेटाबेस में डेटा नहीं होगा तो अपन उसे कैसे फेच करेंगे अपने HDFS के अंदर, उनमें टेबल्स होगी, तो फिर अपन क्या करना चाहेंगे, अपन इस डेटाबेस से डेटा उठा के कहाँ डालना चाहेंगे, HDFS में डालना चाहेंगे। तो कैसे डाल सकते हैं, अभी कैसे डाल सकते हैं, अभी सोचो कि अगर आपको ये काम करना हो कि अभी अपन ये काम करेंगे, आज आज का काम अपना यही है कि अपन एक डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करेंगे, सर्वर इंस्टॉल करके फिर अपन चाहेंगे कि अपन स्कूप इंस्टॉल करें। स्कूप बात की बात है, अगर स्कूप नहीं करना इंस्टॉल तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा,
अभी आप क्या सोच रहे हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस डेटाबेस से डेटा उठाना है, किसी टेबल से डेटा उठाना है, उस टेबल का डेटा आपको HDFS में स्टोर करना है, HDFS में उस डेटा को अपलोड करना है, कैसे अपलोड करोगे? और अपन तो यहाँ पे काम करें ना हडूप पे, तो बेसिकली अपने को डेटा डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? डेटाबेस से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे एक टास्क होता है कि अगर आप डेटा डेटाबेस से कहाँ पे फेच कर रहे हो, आपके HDFS में फेच कर रहे हो, इसको बोलते हैं अपन इम्पोर्ट जॉब, कि हम डेटा इम्पोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप HDFS से किसी डेटाबेस में डेटा भेजना चाहते हो, उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट जॉब। तो अपन आज ये पढ़ने वाले कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कैसे अपन SQL डेटाबेस से डेटा उठा के अपने HDFS में स्टोर कर सकते हैं, और कैसे HDFS से डेटा अपन डेटाबेस के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जॉब। कोई आइडिया किसी को बताएगा? मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ, ताकि अगर आपको किसी को बोलना हो, टाइप करने में प्रॉब्लम आती हो, तो आप बोल के भी बता सकते हो ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप टाइप करो सारा। ठीक है, तो आप अनम्यूट भी कर सकते हो। बताओगे क्या मतलब, अभी आपके अगर मैं आपको बोलूँगा ऐसा करना है, तो आप क्या अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, क्या स्टेप्स लेंगे आपके? हाँ किसी को नहीं पता क्या करना है, ऐसे मत करो यार। बहुत सिंपल चीज़ है, मैं सोचो क्या कर सकते हैं अपन डेटा कलेक्ट करने के लिए डेटाबेस से। ओके, कोई कोई सोल्यूशन नहीं है, एक्चुअली बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अभी तक अपन ने क्या करा था, अपन ने मैपरोज स्ट्रीमिंग यूज़ करके पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी थी। अगर आप पाइथन की स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, या आप जावा के अंदर कोड लिख सकते हो, किसका? मैपरोज का। तो मेरा सबसे पहला अप्रोच क्या होगा कि यार क्या चाहिए अपने को, डेटा है तो कलेक्ट करना है, कहाँ से? डेटाबेस से। मेरे को एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो उस डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, उस डेटा को उठाएगा और कहाँ पर अपलोड कर देगा, HDFS में अपलोड कर देगा। तो कौन सी बड़ी बात होगी, अपन मैपरोड्यूस का कोड नहीं सकते क्या? अपन एक मैपरोड्यूस एप्लीकेशन नहीं बना सकते क्या? तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन कनेक्टर लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे। जो भी कनेक्टर पाइथन का चाहो तो पाइथन का यूज़ कर सकते हो, और आपके जावा का चाहिए तो जावा का स्टोर कर सकते हो। तो अपन पहले कनेक्टर इंस्टॉल करेंगे हर एक नोड के ऊपर, जितने भी नोड है हर नोड पे अपन कनेक्टर लाइब्रेरी को अवेलेबल करवा देंगे, या फिर अपना जो पैकेज है उस पैकेज में अपन अपनी कनेक्टर लाइब्रेरी के कोड को ऐड कर लेंगे अपनी जॉब के अंदर, और फिर अपन एक स्क्रिप्ट लिख देंगे। बेसिकली वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, जैसे जावा में अपन स्क्रिप्ट लिखेंगे, जावा के स्क्रिप्ट कनेक्टर के थ्रू अपनी जो जॉब अपने सबमिट करी है, वो इस कनेक्टर के थ्रू कहाँ से कनेक्ट होगी, डेटाबेस से कनेक्ट होगी। डेटाबेस में क्वेरी करेगी, क्वेरी करने के बाद अपना डेटा आएगा, वो डेटा कनेक्टर किसको देगा, मैपरिस एप्लीकेशन को देगा, और मैपरिस एप्लीकेशन कहाँ पर राइट कर देगी, HDFS में राइट कर देगी। नहीं कर सकते क्या अपन ऐसा? हो सकता है ना, एप्लीकेशन लिख सकते हैं ना अपन, अपन ने पढ़ा पूरा मैपरोड्यूस, अपन ने पूरा जावा पढ़ा है, तो अपन जावा में एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट करो, डेटाबेस में क्वेरी फायर करो, डेटा आ रहा है, उस डेटा को HDFS में लोड कर दो। और उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, मैपरोड्यूस एप्लीकेशन। अब देखो ये बहुत कॉमन टास्क है, आपको डेली करना पड़ सकता है, हर कंपनी में ये टास्क करना पड़ता है, हर कंपनी डेटा कलेक्ट करना चाहती है डेटाबेस से। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क।
और अगर इसके लिए आप मैपरिड्यूस एप्लीकेशन लिख रहे हो तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं बताओ। तो अपन ये समझ रहे कि स्कोप अपन क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले ये पढ़ना पड़ेगा अपने को कि क्या क्या चैलेंजेस अपने सामने आ सकते हैं अगर अपन ये वाली अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो इसका तो आंसर दे सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी अपने पास। जावा में कोड लिखना पड़ेगा, मैपरिड्यूस की तरह सोचना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना बहुत टफ है, जावा में बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, उसे टेस्ट करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा, तो जो कोडिंग पार्ट है अपना वो बहुत लेंथी पार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक नॉर्मल डेवलपर के लिए या एक डेटाबेस एडमिन के लिए, क्योंकि जो डेटाबेस एडमिन है जिन्हें एसक्यूएल की क्वेरीज आती है, जो एसक्यूएल पर डेली काम करते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? वो एसक्यूएल लैंग्वेज जानते हैं, वो एसक्यूएल पर ईजिली काम कर सकते हैं। पर उनको कौन सी लैंग्वेज नहीं आती है? उनको जावास्क्रिप्ट, उनको मैपरिड्यूस सबको सिखाना है तो मैपरिड्यूस उनको सिखाना काफ़ी टफ काम हो सकता है, मैपरिड्यूस उनको नहीं आता है। अगर उनको आप जावा में कोड करवाओगे, कोई भी डेटाबेस का बंदा है उसे एसक्यूएल क्वेरी तो बहुत अच्छे से आती है, पर आप उसे बोलोगे यार आप जावा सीखो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको हडूप में डेटाबेस से डेटा लोड करने की स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आई थिंक ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस। वो बहुत दुखी हो जाएगा, यार जावा कहाँ से सीखूँ मैं तो डेटाबेस का आदमी हूँ, मेरे को डेटाबेस पूरे अच्छे तरीके से आते हैं, पर आई डोंट नो जावा। तो ये इश्यू सब कंपनी को फेस होता है जो कंपनी हडूप यूज़ करना स्टार्ट किया जिन्होंने। उनको सबसे पहले डेटा स्टोर करना था, बिना डेटा स्टोर करे तो क्या ही कर सकते हैं अपन, एनालिसिस कैसे करेंगे? तो डेटाबेस से डेटा लेना सबसे कॉमन टास्क था, कि सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ पर होता है, डेटाबेस में होता है, और वहाँ से अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, डेटाबेस से आपको डेटा कलेक्ट करके एचटीएमएल में स्टोर करना है, तो उसके लिए क्योंकि डेटाबेस से काम डेटाबेस पे करना है, तो आपको डेटाबेस एडमिन या ऐसे बंदे की नीड पड़ती है जो जिसको डेटाबेस आता हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर उसको डेटाबेस आता है तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि उसको जावा आती हो और वो मैपरिड्यूस में कोड लिख सके, तो आपको डबल डबल बंदे हायर करने पड़ेंगे। एक तो जावा के डेवलपर हायर करने पड़ेंगे जो मैपरिड्यूस कोड लिखेंगे, और डेटाबेस वाले बंदे हायर करने पड़ेंगे, तो कंपनी का वर्कलोड बढ़ जाता है और ऐसे बंदे मिलना भी मुश्किल है जिनको जावा आती है, और उनको से भी हम जावा के लिए हायर करें। तो इनिशियली फेसबुक वगैरह जो कंपनीज थी वो हडूप यूज़ कर रही थी, क्योंकि उनका डेटा काफ़ी बड़ा होता जा रहा था, तो वो हडूप को यूज़ करना स्टार्ट किया फेसबुक ने। तो फेसबुक के सामने प्रॉब्लम आई कि यार हमें एनालिसिस करना है तो हमें डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा, और डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास हमारी टीम में सारे सारे जावा डेवलपर्स हमें भरने पड़ेंगे, और एनालिसिस के लिए हमें कौन से बंदे चाहिए, एसक्यूएल वाले बंदे चाहिए। तो उनके पास मैक्सिमम एनालिस्ट जिनको एनालिसिस करना है या एसक्यूएल क्वेरी चलानी है, तो उन्होंने ये टूल बनाया स्कूप। ठीक है, तो स्कूप टूल कैसे काम करेगा मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ डेटाबेस के। स्कूप पे काम करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो आपका कनेक्टर होगा। ठीक है, तो और पहली चीज़ स्कूप अपन यूज़ करते हैं एज ए इंटरमीडिएट। तो स्कूप अपना क्या करता है, मैं लास्ट टाइम बताया था आपको कि आपके डेटाबेस से आपको डेटा कनेक्ट करना है, तो आपका डेटाबेस है, यहाँ से आपको या तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा डेटा, आपके एच डी एफ एस में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इम्पोर्ट जॉब लिखनी है तो आप एसक्यूएल के अंदर स्कूप के, स्कूप का मतलब क्या है, देखो एसक्यूएल चलाना है अपने को हडूप के ऊपर, तो इन दोनों को मर्ज करके क्या बन गया, अपना स्कूप बन गया, एसक्यूएल ऑन हडूप। तो स्कूप का नाम इस तरह से पड़ा है। तो स्कूप एक टूल है, उस टूल में आप क्या करते हो, आप एसक्यूएल लाइक क्वेरीज यूज़ करते हो कि आपको डेटा इंपोर्ट करना है, जो भी काम करना है, आपको कोड नहीं लिखना है, आपको एक जॉब लिखनी है, और वो जॉब एसक्यूएल टाइप की क्वेरी रहेगी। तो आप स्कूप से क्या कर सकते हो, आप डेटाबेस से स्कूप के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उसको आप अपने एचडीएफएस में स्टोर कर सकते हो, इसे बोलेंगे अपन इंपोर्ट जॉब, कि आप स्कोप के थ्रू डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। और सेम एचडीएफएस से आप स्कोप के थ्रू डेटा कहाँ पर डाल सकते हो, आप डेटा डाल सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर, तो उसे बोलेंगे अपन एक्सपोर्ट जॉब। और स्कोप भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एज ए डेवलपर आपको जावा नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको एसक्यूएल आती है, आप एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, आप एसक्यूएल में कोड लिखोगे, आप अपना कोड सबमिट करोगे एज ए डेवलपर, आप अपना कोड लिखोगे एसक्यूएल का, वो एसक्यूएल कोड आप किसको दोगे, स्कोप को दोगे। अब स्कूप कैसे काम करते हैं, स्कूप आपका एसक्यूएल कोड लेते हैं, उस एसक्यूएल कोड को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, मैपरिड्यूस के अंदर। यानी ये एक तरह से आप मान सकते हो कि स्कूप कुछ नहीं है, स्कूप एक अपना इंटरप्रेटर की तरह है, कंपाइलर की तरह है, जो आपका एसक्यूएल क्वेरीज ले रहे हैं और उन एसक्यूएल क्वेरीज के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, एक मैपरिड्यूस जावा के अंदर कोड लिख रहे हैं, जावा का मैपरिड्यूस कोड लिख रहा है, और फिर उस मैपरिड्यूस के थ्रू वो मैपरिड्यूस एप्लीकेशन वो कहाँ पर सबमिट करेगा, यहाँ पर। ये जॉब कौन बनाएगा, ये जॉब अपने को नहीं बनानी, अपन तो एक एसक्यूएल जॉब सबमिट करेंगे स्कूप को। स्कूप क्या करेगा, सबसे पहले मैपरिड्यूस का जार फाइल बनाएगा, मैपरिड्यूस का कोड जनरेट करेगा जार फाइल में, डॉट जार फाइल क्रिएट करेगा, वो मैपर कोड लिखेगा, रिड्यूसर कोड लिखेगा, और फिर जार फाइल लिखने के बाद आपकी क्वेरी के हिसाब से वो क्या करेगा, जॉब क्रिएट करेगा और उस जॉब को सबमिट भी करेगा मैपरिड्यूस को।
काम सारा मैपरिड्यूस ही करेगा, काम स्कोप नहीं करेगा फिर, क्योंकि लेकिन मैपरिड्यूस को क्या चाहिए, मैपरिड्यूस को जॉब चाहिए। वो जॉब कौन क्रिएट करेगा? आपका स्कोप क्रिएट करेगा। और स्कोप को जॉब कौन देगा? डेवलपर देगा। डेवलपर को सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी देनी है, डेवलपर एसक्यूएल क्वेरी देगा, उसके लिए ईजी है, तो डेवलपर खुश। स्कोप उसको कन्वर्ट कर देगा मैपरिड्यूस जॉब में और सबमिट कर देगा। मैपरिड्यूस अपना काम करेगा, वो डेटाबेस रिटर्न निकालेगा और HDFS में ला के लोड कर देगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, थोड़ा टाइम तो लगेगा काम होने में, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि अब कोई भी बंदा जिसको वो डेटाबेस से डेटा उठा के कहाँ पर स्टोर करना है, HDFS में स्टोर करना है, जिसको डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्शन के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, उस पर जावा सीखने की जरूरत नहीं है। अगर उसको SQL आता है और उसे SQL में से डेटा लेना है, तो उसको सिर्फ ये स्कूप टूल कॉन्फिगर करना पड़ेगा, और स्कूप टूल कॉन्फिगर करने के बाद वो डेटा कहीं से भी फेच करके अपने यहाँ पर लोड कर सकता है विदाउट एनी इश्यू। समझ में आया वाली चीज़? रिप्लाई करो फटाफट। ये स्कूप क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं काम कर रहा है, इंटरमीडिएट काम कर रहा है स्कूप अपना। अब अगर मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बनाऊँ स्कूप का, इसको सेव भी कर लेता हूँ मैं, तो इस तरह से होता है कि आपका डेटाबेस है, डेटाबेस से आप इंपोर्ट जॉब रन करते हो, किसके अंदर? स्कूप के अंदर। स्कूप उस इंपोर्ट जॉब को किसमें कन्वर्ट कर देगा? मैपरिड्यूस के जार फाइल में जॉब बना देगा, जार फाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, कोड लिख देगा आपके मैपरिड्यूस की जॉब लिख देगा, मैपरिड्यूस जार फाइल्स, ठीक है। और फिर उसको सबमिट करेगा किसको? आपके मैपरिड्यूस फ्रेमवर्क को। और आपको जो मैपरिड्यूस फ्रेमवर्क है वो अपनी जॉब रन करेगा मैपर और रिड्यूसर, तो बॉटम में डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करेगा मैपरिड्यूस, ठीक है। और वो डेटा मैपरिड्यूस किससे बात करेगा? यान से बात करेगा, यान से बात करके रिसोर्स लेगा, रिसोर्स पे अपने नोट्स वगैरह रन करेगा, वो डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे। और फिर वो डेटाबेस फेच हो के, क्योंकि राइट कहाँ पर होता है? डेटा HDFS में राइट होता है, तो जो भी डेटा फेच होगा कहाँ से? आपके डेटाबेस से, वो HDFS में जाके राइट हो जाएगा। दिस इज हाउ योर जॉब विल रन इन स्कोप। तो स्कोप किसी जगह काम कर रहा है? क्लाइंट की जगह काम कर रहा है। क्लाइंट यहाँ पे काम कर रहा है, क्लाइंट क्या लिख रहा है? क्लाइंट एक इंपोर्ट जॉब लिख रहा है डेटाबेस डेटा फेच करने के लिए, वो स्कोप को दे रहा है, स्कोप उसको मैपरिड्यूस जार फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, वो मैपरिड्यूस सबमिट हो रही है, जॉब रन कर रही है, डेटा आ रहा है, यान के थ्रू रिसोर्स मिल रहा है मैपरिड्यूस को, जॉब रन कर रही है, डेटा आ रहा है, डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है? HDFS में स्टोर हो रहा है। सो दिस इज द पाइपलाइन, दिस इज हाउ और स्कोप इज वर्किंग। और स्कोप यूज़ करने का फायदा क्या हुआ कि हमें जावा में कोड नहीं करना पड़ेगा, या हमें पाइथन में स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी। किसके लिए? हर बार हमें स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी डेटा फेच करने के लिए, हम इजीली SQL की स्क्रिप्ट लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। यस और नो करो, ये आपको समझ में आया नहीं आया? क्लियर है सबको? ठीक है, तो उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो पहली चीज़ तो अपने क्या सेटअप करना पड़ेगा, अपने को एक डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं अपन अभी डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं पहले। तो अपन अपने सिस्टम पे आए, यहाँ पे भी कोई डेटाबेस इंस्टॉल्ड नहीं है। अब देखो डेटाबेस हो सकता है लोकल हो, डेटाबेस हो सकता है रिमोट हो, पहले से इंस्टॉल्ड हो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख कर चलना कि जो डेटाबेस वगैरह है ना वो अपने सिस्टम पे नहीं है, डेटाबेस कुछ कहीं भी हो सकता है पूरी दुनिया में। अपने को सिर्फ डेटाबेस का क्या चाहिए? कनेक्शन URL चाहिए कि अपन डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर हमें तो भी प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास कौन सा लाइव डेटाबेस रखा होगा? तो हमें डेटाबेस खुद से क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिगर करना पड़ेगा, खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? अपन सेंटोस मशीन यूज़ कर रहे हैं। सेंटोस में अपने पास EM कमांड होती है हर एक पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलाएंगे sudo yum update। देखो yum update आप हमेशा चला सकते हो, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, ये क्या करेगा आपके जो एग्जिस्टिंग पैकेजेस हैं उनको अपडेट कर देगा। तो बहुत सारे पैकेज अपडेट होने को है। एंड एक्चुअली कितना डेटा डाउनलोड करेगा ये? 560 MB डाउनलोड करेगा। तो रहने दो उसको, काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं अपडेट नहीं कर रहा, पुराना वर्जन नहीं चलने दो, बाद में अपडेट कर लेंगे। तो मैं अपडेट नहीं कर रहा, मैं सीधा इंस्टॉल करूँगा कि yum इंस्टॉल। अब देखो डेटाबेस बहुत सारे हैं, ओरेकल डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस है अपने पास,
और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके डेटाबेस सर्वर्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। अपन वैलेंस आना है अपने को फ्री यूज़ करना है, तो मारे डीबी डेटाबेस ओपन सोर्स है, जो MySQL डेटाबेस का ही क्या है सेम वर्जन है, मतलब MySQL का ओपन सोर्स वर्जन है। जैसे अपन सेंटोस यूज़ कर रहे हैं, रेड हैट यूज़ नहीं कर रहे, रेड हैट पेड वर्जन है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसके लिए, तो अपन सेंटोस यूज़ कर रहे हैं, सेंटोस रेड हैट सेम चीज़ है, पर सेंटोस ओपन सोर्स है और रेड हैट क्या है क्लोज सोर्स है। हाँ, रेड हैट में बहुत सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, तो आपको सिक्योरिटी एंड उसमें बग फिक्सिंग वगैरह सब कुछ ज़्यादा एडवांस मिलेगी इन कंपेरिजन टू सेंटोस। सेंटोस टेस्टिंग प्रोडक्ट है, ऐसे ही MariaDB भी है, टेस्टिंग प्रोडक्ट है पर ओपन सोर्स है। तो कंपनी सो बाय डिफॉल्ट MySQL सर्वर्स यूज़ करती है, ओरेकल के या IBM के या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के, पर एज अ डेवलपर अपने को सिर्फ सीखने से मतलब है, तो अपन क्या कर सकते हैं MariaDB इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपने को MariaDB सर्वर इंस्टॉल करना है, तो MariaDB अपन इंस्टॉल किया, अपन लिखेंगे MariaDB स्टार, तो sudo yum install MariaDB स्टार लगा दोगे, एंटर मारेंगे अपन या हाइफन वाइल एंटर मार दो, ये अपने को सारे पैकेज बताएगा कि कौन कौन से पैकेज डाउनलोड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये MariaDB के साथ में क्या क्या डाउनलोड करेगा, तो बहुत सारे पैकेज आ गए, MariaDB पैकेज आ गया, बैकअप लेना उसका पैकेज आ गया, कॉमन कनेक्टर्स कॉमन आ गया, MariaDB का कनेक्टर आ गया, सी लैंग्वेज का कनेक्टर आ गया, अगर कोई सी लैंग्वेज MariaDB से बात करना चाहती है तो कनेक्टर भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। कनेक्टर्स के कॉन्फ़िगरेशन से और डेवलपर पैकेज आ गए, अगर आपको ODBC कनेक्शन बनाना है MariaDB से, उसका कनेक्टर, देखो कनेक्टर दोनों तरफ होता है, आपके डेटाबेस के अंदर भी कनेक्टर होगा और आपकी लैंग्वेज के अंदर भी कनेक्टर होगा, तो लैंग्वेज में अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर भी खुद से कनेक्टर इंस्टॉल होता है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं। MariaDB सिर्फ MariaDB इंस्टॉल नहीं कर रहे क्योंकि MariaDB सिर्फ सर्वर इंस्टॉल होगा, स्टार का मतलब है एडिशनल पैकेजेस सारे इंस्टॉल कर देगा ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सी का पैकेज आ गया, ODBC का कनेक्टर आ गया, फिर MariaDB का डेवलपर पैकेज आ गया एंड एम्बेडेड डेवलपर पैकेज आ गया, फिर अपने पास यहाँ पे जावा क्लाइंट आ गया कि जावा से अगर आप बात करना चाहते हो MariaDB जावा क्लाइंट, तो जावा क्लाइंट एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी। MariaDB सर्वर इंपॉर्टेंट है, सर्वर अपन इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि अपन डेटाबेस सर्वर को क्या कर सकें, ऑन कर सकें। यू कैन जस्ट सी ये अपना मेन एप्लीकेशन है, ये अपना मेन पैकेज है जो अपन इंस्टॉल करेंगे, 16 MB का ये। फिर ये सर्वर के रिगार्डिंग जो डिपेंडेंसी पैकेजेस हैं वो अपने पास इंस्टॉल हो रहे हैं, और ये कुछ पैकेज अपग्रेड करेगा, KRP5, OpenSSL, OpenSSL लाइब्रेरीज जो जरूरी पड़ेगी अपने लिए, और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा कि जावा 1.8 OpenJDK की डिपेंडेंसी चाहिए जावा को, इस SQL को चलाने के लिए अपने पास जावा 11 है बट इसको जावा 1.8 चाहिए, तो उसको इंस्टॉल करेगा, जावा पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा फाइल सिस्टम के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें देखो, पर्ल के डेटाबेस वगैरह इंस्टॉल करेगा, तो ये सारी चीज़ें अपने पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, और यहाँ पे MySQL का पैकेज इंस्टॉल कर रहा है पूरा। ये सारे पैकेज आप देख सकते हो कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, आप यस लिखोगे ये डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा और आपके सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा। तो मैंने लिखा यम इंस्टॉल MariaDB स्टार, तो अपना एक डेटाबेस सर्वर अपन कॉन्फिगर कर रहे हैं ताकि डेटाबेस हमारे पास हो, फिर अपन उस डेटाबेस को आगे भी यूज़ करेंगे, इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। हाइव में भी अपन यूज़ करेंगे, हाइव के लिए भी अपनी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, और ठीक है अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी स्कोप में अपने को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जॉब लिखनी है तो अभी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अपन कल अपनी क्लास नहीं हो पाई, आई वॉज बिजी इन सम वर्क येस्टरडे, तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में अपन एक क्लास एक्स्ट्रा रखेंगे ना, तो कब रखेंगे, लाइक वेनेसडे के बाद में ले पाऊंगा मैं, वेनेसडे तक मैं फ्री नहीं हूँ, वेनेसडे थर्सडे तक, तो हो सकता है कि थर्सडे को या फ्राइडे को मैं क्लास रखूँ सैटरडे से पहले, जिसमें अपन स्कोप कंप्लीट कर लेंगे ताकि फिर इस अगले बार अपन फ्लूम कंप्लीट करके हाइव तक पहुँच जाएँ। तो मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में आपका कोई ये जो है पूरा कवर हो जाए, स्पार्क तक अपन पहुंच जाएँ, फिर स्पार्क अपना 1-2 वीक में अपना स्पार्क कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो आपके सारे पैकेज इंस्टॉल करने, 49 पैकेज अपने इंस्टॉल हो चुके हैं, हाँ।
ठीक है कंप्लीट। तो पैकेज कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, स्टेप्स आप ध्यान रखना, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा हमारे डेप इंस्टॉल करने का। तो इसमें आप लिखो यूट्यूब, तो देखो यूट्यूब पर अगर आप जा रहे हो तो जो मेरा डिफॉल्ट एक चैनल मैंने बना रखा है, आप सचिन यादव 3496 सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको क्या करना है, आउटडोर इंस्टॉलेशन का वीडियो तो था ही, वीडियोज़ में आपको एक वीडियो मिल जाएगा मारी डीब इंस्टॉलेशन का। तो आप देख रहे हो डेटाबेस रिस्टोर टेबल कलेक्शन जाम्प वाला है ये, हाइव इंस्टॉलेशन का दिया हुआ है, एंड आउटडोर इंस्टॉलेशन मॉड्यूल पैकेजेस जेंगो जेंगो दिया हुआ है, पाइथन 3 एंड मारी डीब इंस्टॉलेशन ऑन सेंटोस 7। तो ये वाला जो वीडियो है मा पाइथन 3, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को आप देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है, बाकी इसकी जो फाइल है इंस्टॉलेशन की वो मैं ट्राई करूँगा आपको शेयर कर दूँ मैं सर्च करके ना। तो अपन ने पहले कमांड चलाई है, ये अपना फर्स्ट स्टेप है, अपने कमांड चलाई एम इंस्टॉल मारे डी पी स्टार, इससे सारे पैकेज अपने इंस्टॉल हो जाएंगे। अब पैकेज इंस्टॉल होने के बाद में क्या करना पड़ता है अपने को, अपने को सर्विस को इनेबल करना पड़ता है। देखो जितने भी सर्वर्स हैं, सर्वर्स को अपने को इनेबल करके रखना पड़ता है। जैसे अपन देखते हैं ना कि अपन जब हडूप चला रहे हैं तो हडूप में आते हैं हम पहले स्टार्ट वाल कमांड चलाते हैं, क्यों, क्योंकि जब तक अपन सर्वर एप्लीकेशन को रन नहीं करेंगे अपना सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। अब हडूप एक डेमन नहीं है, आप हडूप का डेमन बना सकते हो तो उसको आप करंटली रन कर सकते हो, पर मारे डी बी का डेमन है अपने पास। तो सिस्टम सीटल कमांड होती है, इसमें डेमन एप्लीकेशन को अपन रन कर सकते हैं, तो अपन इसके थ्रू इनेबल कर सकते हैं। जैसे अपन ने फायरवॉल को डिसेबल किया था, तो फायर फायरवॉल एक सर्विस थी, उसको अपन ने बंद किया था। फायरवॉल अपन ने क्यों बंद किया था, क्योंकि वो क्या कह देगा, वो एक सिक्योरिटी लेयर है कि वो किसी को भी आपके सिस्टम में रिक्वेस्ट नहीं करने देगा विदाउट आपको एक्सप्लिसिटली सारे पोर्ट नंबर्स और एप्लीकेशन को ऐड करवाना पड़ेगा फायरवॉल में, कि कौन कौन सी एप्लीकेशन पे आपके कंप्यूटर के बाहर से रिक्वेस्ट आ सकती है। तो इसलिए अपने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वो सिस्टम एडमिन टीम का काम होता है। अपन क्यों फायरवॉल इतना डीप में पड़े कि कैसे पोर्ट्स ऐड करते हैं, कैसे सर्विस ऐड करते हैं, कैसे इनेबल डिसेबल करते हैं, वाई टू लर्न, अपने को काम करना है बस। तो उसे वो सिस्टम सीटीएल इनेबल कर देंगे अपन मारे डीबी सर्वर को। तो ये कमांड होती है, इससे आप मारे डीबी सर्वर को क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, ये सेकेंड कमांड है। और फिर उसको अपन स्टार्ट कर देंगे। इनेबल करने का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, इनेबल करने का मतलब होता है कि जब भी आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो भी मारे डीबी सर्वर क्या रहेगा, आपका रनिंग रहेगा इनेबल करने के बाद। और सिस्टम इसको अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे मारे डीबी सर्वर को, ताकि कोई भी मारे डीबी सर्वर अगर स्टार्ट करे तो वो उसको वो हमेशा चालू मिले। तो ये दो प्रोसेस हो गया, तो तीन कमांड्स अपने अभी तक रन करिए, पहली इंस्टॉलेशन वाली पार्ट, उसके बाद अपने को क्या करना है, सर्वर को इनेबल करना है ताकि रिस्टार्ट भी हो जाए सिस्टम तो भी अपना सर्वर हमेशा ऑन रहे डेटाबेस का, इट्स इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अपने सर्विस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब अपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, ये तो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हो गया। अब पार्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने को यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, जैसे अपने मैं आपको बता रहा था डायग्राम के अंदर कि अपन जब डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें एक यूज़र नेम चाहिए होता है, हमें एक पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड के सबको मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस एडमिन का अकाउंट बनता है, जिसे हम बोलते हैं रूट अकाउंट। जैसे लिनक्स में रूट अकाउंट होता है मेन यूजर के लिए, वैसे डेटाबेस में एक रूट अकाउंट होता है। तो जब आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तब आप ये रूट अकाउंट क्रिएट करते हो और रूट यूजर को पासवर्ड देते हो। रूट यूजर का पासवर्ड हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रूट यूजर को सुपर परमिशन होती है, वो पूरे डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। तो जो आपका सीनियर बंदा होता है ना, वो इंस्टॉलेशन करता है, जो आपकी आईटी टीम होती है, जो आपकी प्रोडक्शन टीम है, सॉरी हाँ प्रोडक्शन टीम होती है, वो ये काम करती है। तो रूट ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा, इनिशियल डेटाबेस खाली है अपना, कुछ नहीं डेटाबेस में, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता है, अपने को कॉन्फिगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपना कमांड होती है MySQL_secure-installation, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये कमांड आपको रन करनी पड़ेगी MySQL secure installation, कि MySQL को इंस्टॉल करें सिक्योरली, क्योंकि अभी अपने पास पासवर्ड नहीं है। आप जैसे एंटर मारोगे सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट यूज़र, अब बेसिकली एंटर फॉर नन, हमने कोई रूट यूजर बनाई नहीं रखा है अभी, डेटाबेस में कोई पासवर्ड हमने सेट नहीं करा है, तो अपन एंटर मार देंगे कि हमारे पास पासवर्ड नहीं है। ये बोल रहा है कि रूट यूजर के पासवर्ड सेट करने हैं क्या, डेफिनेटली करने पड़ेंगे क्योंकि हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो अपने यस बोल दिया कि यस हमें पासवर्ड क्या करना है, सेट करना है। ये नया पासवर्ड पूछ रहे हैं,
आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हो डेटाबेस का। मैं ट्रेडिशनली रेड हैट रख रहा हूँ ताकि मेरे को याद रहे कि रेड हैट मेरा पासवर्ड है। तो मैंने रेड हैट पासवर्ड रख दिया, सक्सेस बोल रहा है कि पासवर्ड सेट हो गया है, प्रिविलेज टेबल्स को रिलोड कर दिया गया है। अभी कुछ अपने को ऑप्शन पूछ रहे हैं कि आपके डेटाबेस में जितने भी अनोनोमस यूजर्स हैं यानी रूट के अलावा जितने भी यूजर्स हैं, क्या उनको डिलीट करना है क्या? अभी अपने बनाए नहीं रखे, कर दो डिलीट, क्या फ़र्क पड़ रहा है? रूट रिमोट लॉगिन आपको डिसअलाउ करना है क्या? अब देखो रूट रिमोट लॉगिन क्या होता है, जैसे अभी अपने इसको इंस्टॉल कर रहे हैं कहाँ पे, लिनक्स मशीन में। अगर मैं इस डेटाबेस को विंडोज़ में यूज़ करना चाहता हूँ, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन किस यूज़र से यूज़ करोगे? क्योंकि बिना यूज़र के आप डेटाबेस में लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो रूट अपना सबसे मेन यूज़र है। अगर आपने रूट को रिमोटली अलाउ कर दिया लॉगिन करने के लिए और किसी हैकर को रूट का यूज़र नेम और पासवर्ड पता चल गया, हैकर आपकी कंपनी में आके आपके सर्वर पर काम करेगा, ये तो बहुत कम चांसेस है। अगर कोई बंदा आपके सर्वर पर बैठ के कुछ गड़बड़ी कर रहा है सिस्टम में, तो वो आपका एम्प्लॉई हो सकता है, ठीक है? लेकिन कोई भी हैकर बाहर से आके आपके सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता है, लोकली आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है, लोकली फिजिकली आपके मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता है, रिमोटली कर सकता है। नेटवर्क के थ्रू वो लॉगिन रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर उसको रूट का यूजर नेम और पासवर्ड क्या पता चल गया, तो रूट यूजर से लॉगिन कर सकते हैं डेटाबेस में और सारे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो कभी भी रूट को ओपन नहीं करते, रिमोटली अलाउ नहीं करते। इसका मतलब है कि रूट यूजर से आप कभी भी अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकते हो। रूट जैसे आप डेटाबेस को कॉन्फ़िगर आप कर रहे हो, लेकिन कभी भी रूट को अपन इसी अगर रूट से काम करना है तो अपने को इसी मशीन पे आके लोकल मशीन पे लॉगिन करके काम कर सकते हो। रिमोटली नेटवर्क के थ्रू आप कभी लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप रूट जैसे रिमोट लॉगिन करो, सिक्योर नहीं रहेगा, तो अपने को रूट से क्यों करना है, अपन अलग से यूजर बना लेंगे। तो मैंने बोल दिया कि नो, यस, मेरे को डिसअलाउ करना है रिमोट लॉगिन। और बोला कि रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट। टेस्ट डेटाबेस रिमूव करने नहीं करने अपनी चॉइस है, मेरे को नहीं करने। वैसे तो कुछ होगा नहीं डेटाबेस, टेस्ट डेटाबेस होंगी नहीं अपने पास। अगर क्रिएट किए हुए डेटाबेस टेस्ट डेटाबेसेस तो क्यों रिमूव करने, अपन यूज़ कर सकते हैं उनको, क्योंकि अपने को डेटा चाहिए। अगर नहीं होंगे तो अपने को क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ डेटा डालना पड़ेगा पहले किसके अंदर, डेटाबेस सर्वर के अंदर, तभी तो हम स्कोप इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर पाएंगे। तो हमने बोला कि नो, हमें रिमूव नहीं करना है, ठीक है? और फिर लास्ट में पूछ रहा है कि आपको रिलोड करना है प्रिविलेज टेबल, यस। इसका होता है कि आपको रिफ्रेश करना है क्या पूरे ऑथेंटिकेशन, वरना आपने सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला यस, रिलोड कर दो टेबल्स को एंड डन, थैंक्स फॉर यूजिंग मारी आई डी बी। तो अपना मारी आई डी बी सर्वर क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, अपना डेटाबेस इंस्टॉल हो चुका है। अब इस डेटाबेस को यूज़ कैसे करना है, इसके लिए अपने पास क्लाइंट एप्लीकेशन होती है, वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप लिखोगे माई एस क्यू एल हाइफन यू रूट हाइफन पी, आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हो इसको, और एंटर मार देंगे, पासवर्ड डालोगे। लोकल मशीन पे लॉगिन कर रहे हैं तो लोकल मशीन पे आप रूट यूजर से लॉगिन कर सकते हो। तो हम लिख रहे हैं कि MySQL में लॉगिन करना है, MySQL कमांड है अपने पास हाइफन यू रूट हाइफन पी। तो आप लॉगिन कर लोगे, ये डेटाबेस आ गया अपना MariaDB। अभी अपने पास कोई भी टेबल्स नहीं है, आप शो टेबल्स शो डेटाबेस कमांड चलाओगे पहले, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई भी डेटाबेस नहीं मिलेगा आपको। इन्फॉर्मेशन स्कीमा मिल रहा है, MySQL मिल रहा है, परफॉर्मेंस स्कीमा मिल रहा है, ये अपने बिल्ट इन डेटाबेसेस होता है। तो आपके पास कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। अब देखो अगर आपको यूज़र क्रिएट करना है, क्योंकि यूज़र क्रिएट करना जरूरी है अगर आप रिमोटली यूज़ करना चाहते हो, रिमोटली आप इस डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हो। मानो मैं विंडोज़ मशीन से इस डेटाबेस में काम करना चाहता हूँ, तो मैं अभी विंडोज़ मशीन से डेटाबेस में लॉगिन नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे को लॉगिन करना है इस डेटाबेस में रिमोट मशीन से, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करेंगे कि क्रिएट यूज़र, कमांड क्या होती है डेटाबेस में यूज़र क्रिएट करने की, क्रिएट यूज़र एंड देन यूज़र नेम, कि मेरे को सचिन नाम का यूज़र क्रिएट करना है, सचिन एट द रेट स्टार, स्टार का मतलब है रिमोट यूज़र है। देखो तो अपन यूज़र लॉगिन लोकल यूज़र बनाएंगे, तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देंगे कि यूज़र लोकली लॉगिन कर सकता है। अगर ये किसी भी मशीन से लॉगिन कर सकता है, तो आप यहाँ पे स्टार लिख दोगे कि सचिन नाम का यूज़र कहीं से भी लॉगिन कर सकता है, और इसका पासवर्ड क्या रहेगा, आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है? किससे आइडेंटिफाई करेंगे अपन इसको, इसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे रेड हैट से, आइडेंटिफाइड बाय रेड हैट, कैपिटल में हो गया, स्मॉल में रेड हैट। तो पासवर्ड में अपना रेड हैट डाल रहा हूँ सचिन का, तो रेड हैट पासवर्ड है एंड सेमी कोलन। तो इसको आप रन करोगे, इसने एक रो इफेक्ट करी है, जीरो रोज इफेक्टेड। इसने क्या किया, इसने एक यूज़र क्रिएट कर दिया है। वैसे आपके पास कमांड होती है, डेटाबेस भी कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करेगा, तो आप सिलेक्शन कमांड चला सकते हो कि सिलेक्ट अपने को यूज़र कॉमा क्या सिलेक्ट करना है, उसका होस्ट नेम सिलेक्ट करना है, फ्रॉम अपने पास जो टेबल होती है बाय डिफॉल्ट वो MySQL डेटाबेस के अंदर यूज़र टेबल होती है। तो आई थिंक मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है डेटाबेस में ना, वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। तो यहाँ पे अपन ये क्या काम, तो आप देख रहे हो कि अपने पास रूट यूजर बना हुआ था लोकल होस्ट के ऊपर, एक अपना सचिन यूजर बना हुआ है, वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? तो स्टार लगा दिया अपन ने,
अब ये यूज़र तो बन गया लेकिन इसको परमिशंस नहीं है, ये कहीं पे काम नहीं कर सकता है। तो परमिशन देने के लिए अपन एक डेटाबेस बना देते हैं कि क्रिएट डेटाबेस, और एक टेस्ट डेटाबेस बना देते हैं टेस्ट, ठीक है। और कैरेक्टर सेट आप डालना चाहो डाल सकते हो, कैरेक्टर सेट हम यूज़ करेंगे UTF-8, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपन UTF-8 यूज़ करते हैं, तो आप UTF-8 डाल सकते हो। तो अपना एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, उसमें बाय डिफॉल्ट जो अपन इनकोडिंग यूज़ करेंगे वो UTF-8 इनकोडिंग यूज़ करेंगे। और अब इस टेस्ट डेटाबेस में मेरे को परमिशन देनी है कि सचिन नाम का यूज़र सिर्फ और सिर्फ इसी डेटाबेस पे काम कर सकता है, किसी और जगह काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए अपनी कमांड होती है ग्रांट, आई थिंक ये सारी कमांड्स आपको पढ़ा दी गई है ऑलरेडी, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, प्रिविलेज PRIVILEGES, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है। सारे के सारे फुल परमिशन दे रहे हैं अपन कि इसको एडमिन बना रहे हैं अपन सचिन यूजर को फुल। आप चाहो तो कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट कमांड की परमिशन दे सकते हो, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट जो भी अपनी एसक्यूएल क्वेरीज होती है आप उनकी परमिशन दे सकते हो। मैं फुल परमिशन दे रहा हूँ कि सचिन नाम का यूज़र टेस्ट डेटाबेस पे काम कर सकता है। ओके तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन कौन से डेटाबेस पे ग्रांट करना है अपने को? देखो डेटाबेस पे कभी परमिशन नहीं मिलती है, आपको टेबल्स पे परमिशन मिलती है, ठीक है। टेबल्स का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती है और आप चाहते हो कि किसी यूज़र को किसी एक टेबल के ऊपर ही परमिशन हो, तो अपन टेबल्स के ऊपर परमिशन देते हैं, कभी भी डेटाबेस के ऊपर परमिशन नहीं देते हैं। तो अपन ने बोला कि ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टेस्ट डेटाबेस के अंदर से कौन सी टेबल परमिशन देनी है। अभी अपने टेबल्स क्रिएट नहीं करी है और अपन चाहते हैं कि सचिन एडमिन है किसका, टेस्ट डेटाबेस का, तो सचिन टेस्ट डेटाबेस में सब कुछ काम कर सके। तो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टार लगा सकते हैं। स्टार का मतलब है जितनी भी टेबल्स हैं या जितनी भी टेबल इन फ्यूचर बनेगी हर टेबल पे सचिन को क्या है परमिशन है, तो अपन उसको परमिशन दे दी। लेकिन किसको दी, तो टू आगे लिखेंगे अपन कमांड में कि टू, अरे कहाँ गया, ठीक है टू किसको देना है अपने को, सचिन को। तो सचिन और कौन से जगह से आ रहा है, रिमोट लॉगिन, रिमोट यूजर है। तो स्टार्ट डाल दिया अपन, मैंने एंटर किया, 0 रोज इफेक्टेड हो गई और बस मैंने एग्जिट कर दिया। अब आप सचिन यूजर से काम कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइथन में, बात करें अपन की काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो देखो मैं पावर शेल ओपन करता हूँ पाइथन के अंदर, और पाइथन में भी मैंने कनेक्टर की जरूरत पड़ती है कि कौन सा कनेक्टर आप यूज़ कर रहे हो, तो मेरे पास ऑलरेडी होगा। मैंने पाइथन में लॉगिन किया, इम्पोर्ट किया PyMySQL as SQL, ये कनेक्टर अपन यूज़ कर रहे हैं PyMySQL टू कनेक्ट डेटाबेसिस। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है कि होस्ट कहाँ पर है, बिग डेटा अपन लास्ट टाइम सीड किया था, bigdata.example.com, यहाँ पे मेरा डेटाबेस चल रहा है, पोर्ट नंबर कौन सा है, बाय डिफॉल्ट 3306 होता है, फायरवॉल की दिक्कत है ही नहीं, फायरवॉल बंद कर रखा है अपन ने। किसी यूजर से लॉगिन करना है, सचिन यूजर से, पासवर्ड क्या है यूजर का, रेड हैट, और कौन से डेटाबेस में कनेक्ट करना है, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम अपने पास है टेस्ट डेटाबेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। आप एक कनेक्शन, इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, आप एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हो, तो उसके लिए आप लिखते हो SQL.connect, ठीक है। कनेक्ट में आपका डालोगे कि आपका होस्ट नेम क्या है, जो आपका होस्ट है, आपका पोर्ट नंबर क्या है, जो आपका पोर्ट है, आप कौन से यूजर लॉगिन करोगे, जो यूज़र आपने सेट किया हुआ है, कौन सा पासवर्ड डालोगे आप, जो भी पासवर्ड हमने लिया हुआ है, और डेटाबेस कौन सा है हमारे पास, जो भी डेटाबेस हमने यूज़ करा है। एक्चुअली देखने का अपने को, तो अपन बोल सकते हैं कि डेटाबेस कौन सा लेंगे अपन, डेटाबेस जो भी हमारे पास जिस डेटाबेस में लॉगिन करना है। अगर यहाँ पे एरर आ रही है तो मतलब हमारे पास कुछ दिक्कत है, ये बोल रहा है कि पैकेट सिक्वेंस नंबर रॉन्ग, गोट वन एक्सपेक्टेड जीरो, कुछ ना कुछ अपन ने दिक्कत करी है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लेफ्ट टू रीड पैकेट्स, ठीक है। होस्ट इक्वल्स होस्ट, पोर्ट इक्वल्स टू पोर्ट, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, एंड डेटाबेस इक्वल्स टू डेटाबेस। क्या दिक्कत दे रहा है ये अपने को, कुछ दिक्कत दे रहा है आई थिंक, मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि दिक्कत क्या दे रहा है अपने को ये। अपन एक बार SQL, आपने जाम इंस्टॉल कर रखा होगा डेटाबेस के अंदर, तो जाम के शेल आप यूज़ कर सकते हो, जाम के शेल से भी अपन लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे अपने पास MySQL क्लाइंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो -h अपन लगा सकते हैं कि बिग डेटा पे लॉगिन करना है, -u root -p पासवर्ड,
परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। 230 इज नॉट अलाउड टू कनेक्ट टू दिस डेटा माने डीबी सर्वर, ओके, क्योंकि अपना होस्ट कौन है, यूजर नेम क्या है अपने पास, सचिन है, और हाइफन पी डेटाबेस का नाम टेस्ट होना चाहिए। अगेन हमें परमिशन नहीं मिल रही है कि होस्ट 232 इज नॉट अलाउड। अब देखो ये होस्ट को बता रहा है कि अपन आईपी एड्रेस से जा रहे हैं, तो ये आईपी एड्रेस अलाउड नहीं है किसके ऊपर, आपके मारे डीबी सर्वर के ऊपर। वैसे फायरवॉल तो अपन ने बंद कर रखा है, अगर मैं चेक करूँगी सूडो सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी, तो वो तो ऑफ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप इस आईपी से लॉगिन नहीं कर सकते, अपने को आईपी अलाउ नहीं कर रखी है, तो फिर अपने कुछ और काम करना पड़ेगा, डेटाबेस में जाके जो अपने सचिन यूजर बनाया था उसमें अपन आईपी डाल देंगे कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है 29.232, इससे हम लॉगिन करना चाहते हैं। ये मेरा विंडोज़ का आईपी एड्रेस है ना, आईपी कॉन्फ़िग कमांड सब चेक कर सकते हो। यस, ये विंडोज़ का आईपी एड्रेस अपना, तो हम बोल रहे हैं कि इस आईपी एड्रेस सचिन यूजर जो लॉगिन करेगा वो इस आईपी एड्रेस से लॉगिन करेगा, ठीक है। और परमिशन भी दे देते हैं इसको, ए अरे यार यहाँ पे एट द रेट लगा दिया हमने, स्टार सॉरी स्टार लगा दिया अपने 192.168.29.29.232, तो आई पी एड्रेस डाल देगी इस वाले आई पी एड्रेस वाले बंदे को अलाउ कर देना। तो अब पहले अपना डेटाबेस सर्वर अलाउ नहीं कर रहा है, परमिशन डिनाई बता रहा है, ठीक है। हमने इस आई पी एड्रेस को अलाउ कर दिया कि इस आई पी एड्रेस से आप लॉग इन कर सकते हो, तो अगर अपन दोबारा रिक्वेस्ट मारेंगे तो अपन लॉगिन कर चुके हैं ना, देखो रिमोटली लॉगिन हो चुका है अपना। अब एक्चुअली आप कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हो, आप लिनक्स मशीन पे काम कर रहे हो विंडोज़ को यूज़ करके, आप शो टेबल्स करोगे, कोई टेबल्स आपके पास नहीं है, सॉरी शो टेबल्स कोई टेबल नहीं है, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, वी कैन क्रिएट टेबल। सो इफ यू वांट टू अप्लाई, इफ यू वांट टू क्रिएट सम टेबल्स, यू विल जस्ट राइट डाउन योर कोड कि क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, मैं कोई टेबल बनानी है ऐसे ही टाइम पास डेटा टेबल बनानी है अपने को, इसमें नेम कॉलम होगा वो अपने पास स्ट्रिंग टाइप का होगा, अपने पास एज कॉलम होगा इंटीजर टाइप का होगा, दैट्स इट। एज इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग को नहीं ले रहा हो ये, तो स्ट्रिंग की जगह अपन डाल सकते हैं वेयर केयर 100 कैरेक्टर्स यू कैन यूज एंड एज इज इंटीजर, ठीक है। शो टेबल्स करेंगे, एक टेबल बना दी अपन ने, इंसर्ट करेंगे डेटा की, इंसर्ट इनटू डेटा टेबल और वैल्यूज सचिन 24, बजट 35, लेट स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल है अपनी, डेटा टेबल है। तो देखो अपने दो वेरिएबल्स को क्या कर दिए, यहाँ पर डाल दिए। ये काम मैंने अभी एसक्यूएल क्लाइंट से किया है, जो मेरे पास जाम्प का एसक्यूएल क्लाइंट था, वैसे अपन पाइथन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम एक्चुअली परमिशन नहीं मिल रही थी तो एरर समझने में दिक्कत आ रही थी ना, और डेटाबेस के एसक्यूएल क्लाइंट पे एरर समझने में ईजी रहता थोड़ा, आप समझ सकते हो कि एरर आ रही है। तो यहाँ पे अगर पाइथन में आपको सेम चीज़ करनी है, मैं सेम चीज़ रन कर रहा हूँ कि हमारा इंपोर्ट किया हमने एसक्यूएल को, हम ये यूज़ कर लेते हैं कनेक्शन सीधा कि हमारा होस्ट कौन है, बिग डेटा पे हमारा डेटाबेस चल रहा है और पोर्ट नंबर हमें पता है ही, पोर्ट नंबर हमारा 3306 रहेगा, यूज़र नेम हमारे पास सचिन रहेगा जिससे लॉगिन करना है, पासवर्ड उसका रिटेट रहेगा, कौन से डेटाबेस में लॉगिन करना है हमें, डेटाबेस हमारा टेस्ट डेटाबेस रहेगा। देखो कनेक्शन बन गया अपना, और फिर आप एक कर्सर बना सकते हो कि कर्सर इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट कर्सर, उससे आप क्वेरीज फायर कर सकते हो कि कर्सर डॉट, आपको क्वेरी भी लिखनी है कि कौन सी क्वेरी फायर करनी है आपको पाइथन के थ्रू। तो ये कनेक्टर अपन यूज़ कर रहे हैं PyMS के लिए से कनेक्टर, एंड मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ आपको कि आपको एक फील आए कि मैं विंडोज़ पे हूँ और मैं लिनक्स वाले डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ, तो रिमोटली अपन लॉगिन कर रहे हैं। हडूप पे भी ऐसा ही होगा अपने पास कि डेटाबेस कहीं पे भी चल सकते हैं, डेटाबेस सर्वर कहीं पे भी रन कर सकते हैं, उसके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है, उस डेटा को अपने को क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो
अपन कर सकते हैं, कनेक्टर चाहिए अपने को और क्वेरी स्ट्रिंग चाहिए अपने को। तो क्वेरी स्ट्रिंग क्या है अपनी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, कौन सी बनाई थी अपन ने, डेटा। ये क्वेरी रन करनी है अपने को, अपन क्वेरी रन कर देंगे कि कितने रिकॉर्ड्स में अपने को मिलने वाले। रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट जो भी आपकी क्वेरी है। तो अपनी क्वेरी को अपन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। आप चेक कर सकते हो कितने रिकॉर्ड मिल रहे हैं, दो रिकॉर्ड मिलने चाहिए अपने को, रिकॉर्ड्स दो रिकॉर्ड्स अपने को मिल रहे हैं। और डेटा फेच करना है आपको, तो डेटा आप लिख सकते हो कि फोर, एक एक रो अपने को मिलेगी कि फोर रो इन कर्सर डॉट फेच ऑल। फेच ऑल फंक्शन होता है अपने पास सारा डेटा फेच करने के लिए। और एक एक डेटा को प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो स्टार ऑफ रो सेपरेशन इक्वल्स टू बैक स्लैश टी। देखोगे सचिन और रजत दो लोगों का डेटा अपन फेच कर पा रहे हैं। तो पाइथन के थ्रू भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स को, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे लॉगिन करके कि माई एस क्यूएल डैश यू सचिन यूजर से लॉगिन करना है या रूट से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो रूट से अपने लॉगिन किया, रेडिट हमारा डेटाबेस कौन सा था, टेस्ट डेटाबेस था। शो टेबल्स हमने करा, हमें एक टेबल मिलेगी, देखो टेस्ट तो मिलेगी अपने को, टेबल्स मिल रही है डेटा और उसमें हमें डेटा भी मिल रहा है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डेटा, ठीक है। आप ड्रॉप करना चाहो टेबल को, आप ड्रॉप कर सकते हो ड्रॉप टेबल जो भी आपके टेबल है डेटा। तो पहली चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीक में एक काम आपको ये भी करना है कि आपको एसक्यूएल रिवाइज करना है, एसक्यूएल अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल का जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसे आप रिविजन कर लेना एसक्यूएल का, कि क्या एसक्यूएल क्वेरीज होती है, कैसे अपन एसक्यूएल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके क्योंकि अपन एसक्यूएल क्वेरीज ही यूज़ करने वाले आगे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये जो टॉपिक है स्कोप, इसमें अपना पूरी एसक्यूएल क्वेरी चलेगी। उसके बाद अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइव, उसमें वो पूरा एसक्यूएल क्वेरी चलेगी। तो एसक्यूएल में अपन आ चुके हैं अपन, तो एसक्यूएल देख लेना। यहाँ तक डाउट है तो पूछो, समझ में आया यहाँ तक? डेटाबेस इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है? बाकी मैंने वीडियो शेयर कर दिया, मैं बता दिया आपको, वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने सेम चीज़ बता रखी है, तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। अब इसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, अपने को डेटा चाहिए। अगर डेटाबेस में डेटा नहीं होगा तो अपन लोड क्या करेंगे, और ऐसे टेबल क्रिएट करके डेटा इंसर्ट करके तो अपन डेटा इंसर्ट कर नहीं सकते। तो इसको हम बोलते हैं, देखो अगर डेटा का बैकअप लेना है, इसको बोलते हैं अपन बैकअप लेना, या तो डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो, ठीक है, या बैकअप करके अपन क्या कराते हैं, बैकअप लेके अपन डंप फाइल बनाते हैं। और अगर आपको बैकअप को रिस्टोर करना है तो हमारे पास डंप फाइल्स होती है, उनको अपन डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या डेटाबेस में काम करने का तरीका होता है कि डेटाबेस में अगर कोई टेबल या कोई डेटा रखा हुआ है, आप कंटिन्यूसली एक स्क्रिप्ट लिखते हो जो डेटाबेस का बैकअप लेता है और डंप फाइल क्रिएट कर देता है। अब उल्टा काम कर सकते हो, डंप फाइल लेंगे हम और क्या कर लेंगे, डेटाबेस को रिस्टोर कर लेंगे। तो इस तरह के अपन काम करते रहते हैं क्योंकि हमारा डेटा सेफ रहना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे डम्स आपको मिल जाएंगे डेटाबेसेस के, दुनिया में बहुत लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे डम्स पड़े हुए हैं, अपन डम्स डाउनलोड कर सकते हैं और डम्स को अपन रिस्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो उससे क्या होगा, अपने डेटाबेस में बहुत सारा डेटा आ जाएगा, और बहुत सारा डेटा आ जाएगा अपन उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डम्स कहाँ मिल जाएंगे अपने को, गिटहब पे मिल जाएंगे। गिटहब पे मिल जाएंगे तो सूडो यम इंस्टॉल गिट, आप गिट टूल इंस्टॉल कर लो अपने लिनक्स में। तो मैंने गिट इंस्टॉल कर लिया, अगेन गिट अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरे वीडियो रखे हुए हैं गिट के यूट्यूब के ऊपर, आपने देख सकते हो डिटेल में के अंदर है वो, तो डिटेल में आप गिट पढ़ लेना, आपको गिट समझ में आ जाएगा। आप गिट हाइफन हाइफन वर्जन चेक कर सकते हो, अपन 2.27 वर्जन यूज़ कर रहे हैं गिट का। तो गिट क्यों इंस्टॉल किया मैंने, जस्ट बिकॉज मैं अपन आपको डिटेल लेना है तो आप मेरे गिटहब यूआरएल पर जा सकते हो कि सचिन गिटहब डॉट कॉम गीक कंप्यूटर पाइथन, पाइथन का अपने पास क्या था असेंबलर वगैरह रखे हुए यहाँ पे, github.com सचिन यादव 3496। तो जैसे आप ये लिखोगे, आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे ना, यहाँ पे रिपोजिटरीज है और आई थिंक मैंने एक डम्प फाइल्स रखी हुई है यहाँ पे, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस की मैं यहाँ पे डेटाबेस सर्च कर लेता हूँ और मेरे को यहाँ पे डम्प फाइल्स मिल जाती है। डेटाबेस नहीं है क्या, डम्प फाइल्स तो देखना पड़ेगा अपने को। तो वेब प्रोजेक्ट्स, पाइथन प्रोजेक्ट्स, वीडियो चैट, फ्लास्क डेमो, लिनक्स, पाइथन बूटकैंप, डेटा सेट से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं। रिमोट गिट, मशीन लर्निंग, कोरोना वायरस,
गिट डेमो, डेटा साइंस वर्कशॉप, पाइथन, मशीन लर्निंग, इंटरवेज होना चाहिए यार। एक रिपोजिटरी मैंने बनाई तो थी। विंटर एप्लीकेशन, बैंक एप्लीकेशन, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, मशीन लर्निंग, हैकर रैंक नहीं है। ओके सो वैसे तो नहीं मिले। डेटा सेट्स में क्या रखा हुआ है? हाँ, डेटा सेट्स के अंदर डेटाबेस रखा हुआ है। डेटाबेस में आपके पास डेटाबेस की फाइल्स रखी हुई है, क्वेरी फाइल्स रखी हुई है, टेस्ट डेटाबेस रखे हुए हैं, और यहाँ पे डंप फाइल्स रखी हुई है। देखो, डंप फाइल एम्प्लॉय डेटाबेस की डंप फाइल है अपने पास, वर्ल्ड डेटाबेस की डंप फाइल है, देन अपना काम हो जाएगा। डंप फाइल्स रखी हुई है अपने पास। डेटाबेस और डेटा सेट दो चीज़ें बनी हुई है। कुछ सी एस ई फाइल्स भी रखी हुई है, इनको भी अपन यूज़ कर सकते हैं, इनको भी लोड कर सकते हैं डेटाबेस में, कोई दिक्कत नहीं है। डेटाबेस की फाइल्स भी रखी हुई है। तो बेसिकली ये यू आर एल है, ये रिपोजिटरी, डेटा सेट रिपोजिटरी है बेसिकली। एक इस डेटा सेट रिपोजिटरी पर आप जा सकते हो, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से ये रिपोजिटरी आप खोल रहे हो, डेटा सेट्स, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड में आके आपको ये कॉपी करना है। यूआरएल, जो यूआरएल आपको दिया हुआ है डेटा सेट वाला, तो कॉपी किया अपन ने। इस यूआरएल को मैं पेस्ट भी कर देता हूँ कि इसी यूआरएल को आपको यूज़ करना है। आप अपने इसमें जाओगे लिनक्स में, और डेटाबेस का यूआरएल जो आपने कॉपी किया है, इस यूआरएल को आप यहाँ पे गिट क्लोन और आप पेस्ट कर दोगे। तो पेस्ट करने का तरीका है कि यहाँ पे पेस्ट यूज़ करना, राइट क्लिक करके। तो राइट क्लिक करके पेस्ट यूज़ करोगे, आपका डेटाबेस का लिंक पेस्ट हो जाएगा। जस्ट प्रेस एंटर। तो जैसे आप प्रेस एंटर करोगे, ये डाउनलोड कर लेगा पूरे के पूरे रिपोजिटरी को। तो कुछ नहीं करना है, ये लिंक आपको मिला हुआ है डायरेक्टली, Sachinato3496 डेटा सेट्स डॉट गिट। आप इस लिंक को डालोगे, गिट क्लोन लिखोगे आपके करंट फोल्डर में, ठीक है? आपके करंट फोल्डर में एक फोल्डर मिल जाएगा डेटा सेट्स वाला। अब उस डेटा सेट फोल्डर में जाओ, आपको बहुत सारे डेटा सेट मिलेंगे, सी एस वी फाइल्स वगैरह मिल जाएगी ना। जैसे क्रिकेट डेटा सेट है तो क्रिकेट का रखा हुआ है, आईपीएल का, आईसीसी रैंकिंग वगैरह, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। एलएस करें, अपन एलएस कर सकते हैं डेटाबेस को। डेटाबेस में चले जाना, सीडी डेटाबेस। डेटाबेस में आपको देखो यहाँ फाइल्स मिली हुई, डेटाबेस 1.txt, डेटाबेस 2.txt, डेटाबेस 3.txt। एक्चुअली ये फाइल्स क्या हैं? ये पूरी डेटाबेस की क्वेरीज हैं। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप इन सारी फाइल्स की क्वेरीज को रन करके देख लेना डेटाबेस सर्वर के ऊपर। जैसे आपको ऑलरेडी दे दी होगी, मैं हमने या सर ने जरूर आपको पढ़ाया था, डेटाबेस 1.txt फाइल आप देखोगे तो मैंने बहुत पहले बनाई थी, लाइक आज के 3-4 साल पहले जब मैं डेटाबेस पढ़ाता था। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग टू टीच। मैंने यहाँ पर सारी की कमांड्स लिखी हुई है ना, कि डेटाबेस में कैसे लॉगिन करोगे, तो ये लॉगिन करने का तरीका है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे आप, टेबल कैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है, ठीक है? टेबल को, एड्रेस टेबल को स्टूडेंट टेबल से कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है? फीस टेबल कैसे क्रिएट करोगे, तो कैसे अपन उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, टेबल्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे, वो सारी चीज़ रखी हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिन यूजर क्रिएट करना है स्टूडेंट डेटाबेस के लिए, जो अपने भी कमांड चलाई है वो भी रखी हुई है यहाँ पे। कि जैसे पहले मैंने डिलीट कमांड चलाई है, अगर कोई भी यूजर एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है? अगर डिलीट रो, डिलीट फ्रॉम डेटाबेस रो टेबल नेम यूजर, इस तरह से अपन डिलीट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको यूजर क्रिएट करना है, मैंने एक कमांड चलाई थी क्रिएट यूजर सचिन एट डेट लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय स्टूडेंट, फिर डेटाबेस बन जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिमोट यूजर के लिए आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट डोमेन डॉट कॉम लिख सकते हो, या स्टूडेंट आईपी एड्रेस लिख सकते हो। जैसे मैंने आईपी एड्रेस लिखा है अपन ने अभी विंडोज़ का अलाव करने के लिए, कि स्टूडेंट सचिन जो है वो इस आईपी एड्रेस से लॉगिन कर सकते हैं। या परसेंटेज यूज़ करना है, अपन स्टार यूज़ कर लिया था, क्या यूज़ करना होता है अपने को, परसेंटेज। मैंने स्टार यूज़ कर लिया था, दैट्स वाई प्रॉब्लम आ रही थी। तो परसेंटेज स्टार डेटाबेस में अपन स्टार की जगह परसेंटेज यूज़ करते हैं, और जगह अपन स्टार यूज़ करते हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया था ना बी डेटाबेस में यूज़र, तो वो अपने स्टार से बना दिया था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिमोट यूज़र क्रिएट कर सकते हो, उसको फुल परमिशन मिल जाएगी। अब परमिशन आपको देनी है यूज़र को, तो उसकी ये कमांड अपन लिखी थी, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टूडेंट स्टार स्टूडेंट लोकल होस्ट। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू रिमूव प्रिविलेजेस यू कैन जस्ट रिवोक इंस्टेड ऑफ ग्रांट। तो ये जो ग्रांट कमांड लिखी है अपन ने, इसके जगह अपन रिवोक कमांड चलाएंगे, अगर आपको वापस से क्या लेनी है, परमिशन लेनी है यूज़र से। और अगर एक यूज़र क्रिएट करना है जो ओनली सेलेक्ट कमांड फायर कर सके, तो आप लिखोगे कि क्रिएट यूजर करोगे स्टूडेंट, उसको सेलेक्ट कमांड क्वेरी देनी है, तो आप सिर्फ ओनली सेलेक्ट कमांड की परमिशन दोगे कि सेलेक्ट कमांड चला सकता है स्टूडेंट टेबल के ऊपर सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही आप सेलेक्ट की जगह सेलेक्ट को अपडेट को इंसर्ट करके आप प्रिविलेजेस दे सकते हो किसी भी यूज़र को। तो मतलब ये मैंने इस तरह से बनाया था, ये जो फाइल्स हैं 1 2 3, ये इवन पूरा एक शॉर्ट नोट्स हैं डेटाबेस के ऊपर,
मैं भी इन्हीं को यूज़ करता हूँ ना, कभी मेरे को डेटाबेस भूल जाता हूँ, मैं क्वेरी भूल जाता हूँ, तो मैं इन फाइल्स को खोल के देख लेता हूँ कि यार क्या चल रहा है, मेरे को एक बार पूरा रिफ्रेश हो जाता है कि हाँ इस तरह से डेटाबेस वर्क करता है। तो फिर अपने पास आ गया कि एग्जिट करना हो तो एग्जिट कर सकते हो, स्टूडेंट से लॉगिन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका ऑथेंटिकेशन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट वाले में सिर्फ डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। सेकंड में जाओगे तो आई थिंक ये इनफ है, इतना पढ़ लोगे वो भी इनफ है आपके लिए। यहाँ पे डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं वो दिया हुआ है, तीनों टेबल में, तीन चार टेबल में डेटा इंसर्ट किया, काउंटर कैसे रिसेट करते हैं, काउंटर वेरिएबल कैसे रिसेट कर सकते हो, कैसे अपन ऑटोमेटिकली काउंटर इंक्रीज करते हैं। फिर अपनी क्वेरीज वगैरह आ जाएगी कि कुछ क्वेरीज के अपन कैसे रन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है ज्वाइन ऑपरेशंस के लिए, आप उस लिंक पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हो क्वेरीज के बारे में, सेलेक्ट वगैरह क्वेरीज कैसे चलती है, कंडीशंस कैसे लगाते हैं, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, व्यू कैसे डिलीट करते हैं, और डिटेल्ड क्वेरी लिंक दी हुई है यहाँ पे कि आप इस लिंक पे जाके पढ़ोगे आपको एसक्यूएल की सारी क्वेरीज मिल जाएगी, इंपोर्टेंट क्वेरीज, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। थ्री जो फाइल है उसमें अपन ने रिस्टोर और डेटाबेस को कैसे डंप लेते हैं, कैसे रिस्टोर करते हैं, वो सारी चीज़ मैंने लिखी हुई है। तो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेरी चला रहे हैं अपन, काउंट क्वेरी होगी, एग्रीगेशन की क्वेरी क्वेरीज होगी, जॉइंस की, लेफ्ट जॉइन की, इनर जॉइन की क्वेरीज आपकी होगी, और उसके बाद में व्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं, व्यूज़ को डिलीट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ होगी, और बहुत सारी क्वेरीज होगी कि व्यू अपडेट करना हो आपको, एग्रीगेशन फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स वगैरह फंक्शन लगाने तो कैसे अप्लाई करते हो आप, लिमिट कैसे कर सकते हो आउटपुट को, ऑर्डर ऑर्डर कैसे कर सकते हो, पैटर्न सर्चिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो पैटर्न सर्चिंग वगैरह दिया हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ सर्च करनी है कैसे सर्च कर सकते हो, ठीक है, और व्यू वगैरह एलियासेस वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपन, डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं, किसी कॉलम को रीनेम कैसे कर सकते हैं, किसी ऑलरेडी डेटा को अपन अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी क्वेरीज दी हुई है ना। लास्ट में आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ लेट्स लोड डेटा, किसी CSV फाइल से डेटा लोड करना है तो कैसे लोड करोगे, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि लोड डेटा, अगर लोड करना है, डंप करना है, तो डंप का यहाँ पे कमांड दी हुई है कि MySQL डंप -u रूट -p स्टूडेंट डेटाबेस को डंप करना है इस डंप फाइल में। तो बेसिकली जो आपका स्टूडेंट डेटाबेस है वो पूरा का पूरा डेटाबेस की जो फाइल्स हैं, टेबल्स की जो फाइल्स हैं, वो आपकी इस लोकेशन के ऊपर इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाके डंप हो जाएगी, स्टूडेंट डॉट डंप फाइल में। और लिनक्स में ऐसा नहीं होगा, लिनक्स में आपको एक अलग लोकेशन मिलती है डंप करते हो तो। रिस्टोर करना है, रिस्टोर करना बहुत सिंपल है, ठीक है, रिस्टोर करने के लिए आप डेटाबेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और एक कमांड चला सकते हो सीधी कि MySQL -u रूट -p न्यू डेटाबेस, इसको बोलते हैं अपन इनजेस साइन, उसको बोलते हैं अपन एक्सपोर्ट साइन। तो ये जो ग्रेटर देन साइन होता है उससे बोलते हैं कि प्रीवियस कमांड का आउटपुट हमें एक्सपोर्ट करना है, और ये जो लेस देन साइन होता है इसको बोलता है कि हमें पास जो फाइल्स हैं उनको हमें इनजेस्ट करना है कमांड को, इनपुट देना है कमांड को। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लेस देन साइन कि हमें इनपुट देना है, ये जो फाइल है हमारी डम फाइल है इसको इनपुट देना है किसको, रूट यूजर के थ्रू न्यू डेटाबेस नाम की डेटाबेस में इस कोड को रन करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका क्या कर देगा, डेटाबेस को लोड कर देगा। तो फाइल्स के थ्रू गो थ्रू करना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनमें, अभी अपने को इन फाइल्स पर ही नहीं जाना है, अपने को क्या करना है, डेटाबेस को क्या करना है, डेटाबेस को अपने को रिस्टोर करना है। तो इवन ये जो डेटाबेसेस आपको दिए हुए हैं, डेटाबेसेस के अंदर डेटाबेसेस हैं और डेटाबेसेस के अंदर ही टेस्ट डेटाबेसेस नाम की फोल्डर भी रखा हुआ है, उसमें कुछ है नहीं, तो डेटाबेसेस के अंदर ये जो लिंक है कि डेटाबेसेस आपको दिए हुए हैं तो आप स्विच कर लो डेटाबेसेस। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर जाना है आपको, PWD आप देख लो कि जो डेटा सेट नाम का रेपोजिटरी आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर एक डेटाबेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपको एक डेटाबेस नाम का फोल्डर मिलेगा, तो वहाँ पर आप चले जाना, यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस मिल रहा है, इसमें एक वर्ल्ड स्कीमा SQL ये एक इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, ऐसे ही अपन चाहे तो सकीला वाला डेटा अपन ले सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, या एम्प्लॉयज वाला आप ले सकते हो, एम्प्लॉयज डॉट SQL आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली कुछ डेटाबेस अपने को दिए हुए हैं। तो वैसे ये डंप फाइल कुछ नहीं होती है, ये SQL स्क्रिप्ट होती है, जैसे वर्ल्ड वाला डेटा ईजी है तो वर्ल्ड वाला डेटा अपन देखें तो अपन खोल सकते हैं कि वर्ल्ड स्कीमा SQL में क्या लिखा हुआ है, तो आप देखोगे तो एक SQL की स्क्रिप्ट है कि MySQL है और MySQL में ड्रॉप स्कीमा इफ एग्जिस्ट वर्ल्ड क्रिएट स्कीमा वर्ल्ड, स्कीमा का मतलब होता है डेटाबेस, अगर कोई डेटाबेस पहले से बना हुआ है वर्ल्ड नाम का तो ड्रॉप करेंगे, एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे वर्ल्ड नाम का, उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे, ऑटो कमिट को हम जीरो सेट कर देंगे कि बाय डिफॉल्ट कमिट नहीं करना है, हम टेबल सिटी टेबल अगर एग्जिस्ट करती है तो डिलीट करेंगे, सिटी टेबल क्रिएट करेंगे,
अगर कंट्री टेबल, फिर सिटी टेबल में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, देखो सिटी टेबल की वैल्यूज इंसर्ट कर दी, ये सिटी टेबल की वैल्यूज हैं, ये सारी सिटीज़ की वैल्यूज यहाँ पर रखी हुई है, ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे सिटी टेबल में, 7% डेटा अपन भी रीड कर रहे हैं, तो कंट्रोल एल आप लिख सकते हो क्या करने के लिए, कंट्रोल जे नीचे जाने के लिए, कंट्रोल जे से आप नीचे जा सकते हो, तो अपन इसको वहाँ पे ट्रेवर्स कर सकते हैं कंट्रोल जे से विम के अंदर, तो आप नीचे जा रहे हो, आप देख रहे हो कि सिटी टेबल्स में कितने सारे वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं अपन, देर आर सो मेनी सिटीज, देर आर लोड एंड लोड्स ऑफ डेटा, तो इसको अपन लोड करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो कैसे करेंगे, MySQL डैश यू रूट डैश पी, रूट यूजर से इंजेस्ट करना है, इस फाइल का नाम पास कर दो वर्ल्ड स्कीमा डॉट एस क्यू एल, पासवर्ड डालो अपना रूट यूजर का, ये पूरा का पूरा डेटाबेस आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। सेम चीज़ आप किसके लिए कर सकते हो कि और दूसरी कौन सी फाइल है अपने पास एस क्यू एल वाली, तो ls स्टार डॉट एस क्यू एल फाइल्स को अपन ls कर सकते हैं, ये सारी एस क्यू एल फाइल्स आपको दी हुई है जिनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, वर्ल्ड स्कीमा अपन कर चुके हैं ठीक है, या कोई डम फाइल भी रखी हुई क्या, स्टार डॉट डम फाइल आप चेक कर सकते हो, एक डम फाइल भी रखी हुई है अपने पास, सैलरी वगैरह की रखी हुई है तो उसको की जरूरत नहीं है अपने को, टेस्ट एम्प्लॉयज़ वाला डेटा रखा हुआ है, सकीला मूव डेटा एस क्यू एल रखा हुआ है, सकीला मूव डेटा एस क्यू एल, सकीला मूव स्कीमा एस क्यू एल, चेक करके देखते हैं सकीला के अंदर मूव डेटा एस क्यू एल में क्या रखा हुआ है, ये अपने को यहाँ पे स्क्रिप्ट देखते हैं थोड़ा बहुत, ये बोल रहा है कि कुछ ठीक है पैरामीटर सेट कर रहे हैं, एक्टर वगैरह की वैल्यू सेट कर रहा है ये कि एक्टर कौन है ठीक है, तो पहले तो ये सीधा यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहा है, एक्टर टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहा है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है सीधा आपका कि सकीला डेटाबेस ये यूज़ कर रहे हैं और उस डेटाबेस में एक्टर के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा है, तो ये तो डेटा इंसर्ट की कमांड है, तो ये अपन इसको नहीं रन कर सकते मूव डेटा को, पहले अपने को क्या रन करना पड़ेगा मूव स्कीमा वाली कमांड को, तो मूव स्कीमा अपन देखें कि मूव स्कीमा में क्या रखा हुआ है, इसमें डेटाबेस वगैरह बना रखा हुआ है इसमें, तो इस स्क्रिप्ट को अपन देखेंगे, तो देख रहे हो कि स्कीमा चेक कर रहा है सकीला, उसको डिलीट कर रहे हैं, नया स्कीमा बना रहा है सकीला, नया डेटाबेस बना रहे हैं, और फिर इसमें टेबल एक्टिव टेबल क्रिएट कर रहे हैं और टेबल्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, कि इसे सिर्फ टेबल्स क्रिएट कर रहा है ओनली, जितनी टेबल्स क्रिएट होनी चाहिए सारे टेबल्स क्रिएट कर रहा है, ये टेबल्स क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिकली क्या करेगा डेटा भी शायद लोड कर देगा अपना, रेंटल वगैरह टेबल बना रहा है, पेमेंट टेबल बना रहा है, और ये स्टाफ टेबल बना रहा है, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, सकीला डेटा मूव ठीक है, तो पहले इसको रन करते हैं अपन, MySQL डैश यू रूट डैश पी डालेंगे अपन किसको, सकीला मूव स्कीमा को, तो पहले मूव स्कीमा को रन कर दो, ये आपके डेटाबेस वगैरह बना देगा सकीला डेटाबेस के लिए, और बाद में आप क्या मूव कर सकते हो रूट के अंदर डैश पी आप डाल सकते हो कि हमें सकीला और मूव डेटा वाला कमांड चला देना, तो डेटा लोड कर देगा आपका आपके डेटाबेसेस के अंदर, तो एक मतलब ये अपन एक तो वर्ल्ड डेटाबेस मैंने लोड कर दिया है, एक सकीला डेटाबेस, ये एक्चुअली मूवीज़ वगैरह डेटा सेट है, तो ये अपन ने लोड कर दिए, एक एम्प्लॉयज़ वाला रखा हुआ है अपने पास, तो एक एम्प्लॉय वाला कर लो, तीन काफ़ी है, एम्प्लॉय वाले के लिए अपन एम्प्लॉयज़ डॉट एस क्यू एल को डंप कर देंगे, तो एम्प्लॉय वाले में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा डेटा रखा हुआ है, बहुत डेटा रखा हुआ है, टेस्ट डेटाबेस है, तो देखो ये क्रिएट कर रहा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा लोड कर रही है टाइटल्स वगैरह के, ठीक है डेटा लोड हो चुके हैं, इसका फ़ायदा क्या हुआ अपने ये सब काम करने का, आप रूट यूजर से लॉगिन करोगे डेटाबेस में, अगर आप शो डेटाबेस कमांड चलाते हो, अब आपके पास डेटाबेस रखे हुए हैं और डेटा भी रखा हुआ है, यानी अब अपन अब इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा, तो मेरे पास एम्प्लॉयज़ डेटाबेस आ गया, मेरे पास एक सकीला डेटाबेस आ गया और एक वर्ल्ड डेटाबेस आ गया, सब सिंपल वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड को देखते हैं अपन कि वर्ल्ड को अपन ने यूज़ किया, टेबल्स देखिए अपने कौन कौन से टेबल्स है, शो टेबल्स कमांड चलाई,
एंड यू विल सी सिटी टेबल है, कंट्री टेबल है और कंट्री लैंग्वेज टेबल है। जैसे अपने को कंट्री टेबल चेक करना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, लिमिट 10, स्टार्टिंग की 10 रोज देखनी है। जैसे पांडा में अपन हेड 5 करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप हेड 5 करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स है, इतने सारे कॉलम्स है, सारे कॉलम नहीं देखने। तो आप डिस्क्राइब करोगे टेबल को कि डिस्क्राइब, हमें डिस्क्राइब करना है कंट्री टेबल को कि क्या क्या कॉलम्स रखे हुए कंट्री टेबल में। कंट्री में सी कैपिटल है, ध्यान रखना। तो कंट्री टेबल को कोड 2 कैपिटल, गवर्नमेंट, लोकल नेम, जीएनपी रखा हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखी हुई है, पॉपुलेशन रखा हुआ है, इंडिपेंडेंस ईयर रखा हुआ है, सरफेस एरिया रखा हुआ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फ्रॉम सॉरी सेलेक्ट क्या क्या सेलेक्ट करना है, अपने को कंपनी का नेम सेलेक्ट करना है, सरफेस एरिया सेलेक्ट करना है, पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है और कैपिटल सेलेक्ट करना है फ्रॉम कंट्री टेबल से, ठीक है। और इसको ऑर्डर करना है कि ऑर्डर बाय, अपन पॉपुलेशन के हिसाब से ऑर्डर करना चाहते हैं, पॉपुलेशन रिवर्स में करना चाहते हैं, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डीएससी, और लिमिट करना चाहते हैं अपन सिर्फ 10 कंट्रीज को देखना चाहते हैं। तो बोल रहा है सरफेस एरिया नहीं है अपने पास, सरफेस एरिया में अंडरस्कोर नहीं आएगा, तो सरफेस एरिया में अंडरस्कोर हटा दो, रन करो। ये मैंने क्वेरी रन करी है यहाँ पे। दिस क्वेरी व्हाट इट विल टेल अस, इट विल सेलेक्ट योर नेम, सरफेस एरिया, पॉपुलेशन एंड कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल में आपके क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। एक्चुअली ये कैपिटल अपन सिटी नेम है, तो सिटी टेबल में क्वेरी करनी पड़ेगी क्या निकालने के लिए, कैपिटल निकालने के लिए। और आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की है। चाइना का सरफेस एरिया इंडिया के सरफेस एरिया से काफ़ी बड़ा है, यू कैन सी दिस। और इंडिया सेकंड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है पर एरिया सरफेस एरिया काफ़ी कम है। इवन इंडिया का सरफेस एरिया आपके यूएस के सरफेस एरिया से भी काफ़ी कम है। इंडोनेशिया, देखो काफ़ी सारी कंट्रीज है जिनका सरफेस एरिया इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे रशिया, रशिया का एरिया सबसे ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या रिलेशन है, अपन रिलेशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो डेटा अपने पास आ गया है बहुत सारा। अब अपना नेक्स्ट काम है इस डेटा को क्या करना, एच डी में लोड करना। तो आज तो अपन इतना नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर भी करने हैं, पेस डेटाबेसिस भी डाउनलोड करने हैं। पर अपन स्कूप तो इंस्टॉल कर ही सकते हैं, स्कूप इंस्टॉलेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपका स्कूप इंस्टॉल रहे और अपन डायरेक्टली अपना काम कर सकें। स्कूप इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, अब मतलब इंस्टॉलेशन आपके लिए सिंपल बनता जाएगा क्योंकि अपन ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो अगर आपको अभी इंस्टॉलेशन देखना है तो पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सर्च करेंगे अपाचे, अपन ऑफिशियल साइट पे जाएंगे कि apache.hadoop.org। आज वाली रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा उस बिग डेटा वाले फोल्डर के अंदर, आज के बाद की रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर नहीं करूंगा। तो दिस विल द लास्ट रिकॉर्डिंग apache.hadoop.apache.org। अपन ऑफिशियल साइट पे गए, वहाँ पे वैसे हडूप पे क्यों जा रहे हैं, अपन को स्कूप डाउनलोड करना है। तो आप लिखोगे scoop.apache.org, तो डायरेक्टली आपको स्कूप की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, scoop.apache.org। दिस इज़ द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है, ओपन सोर्स अपने पास लाइब्रेरी है और यहाँ से अपन डाउनलोड कर सकते हैं स्कूप को कि यू कैन जस्ट डाउनलोड ए रिलीज ऑफ स्कूप फ्रॉम नियर बाई मिरर्स। क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये अपने को सीधा मिरर पे ले गया, कोई सी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। तो देखो स्कोप के दो वर्जन दिखा रहा है अपने को, एक 1.4 वर्जन है, एक 1.9 वर्जन है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो उसके लिए अपन यूज़ किया 1.997 वर्जन यूज़ किया। अब यहाँ पर भी आपको फाइल्स में देखो क्या दिख रहा है, एक तो स्कोप की बाइनरी फाइल मिल रही है, बाइनरी हडूप 200tar.gz, और एक अपने को हडूप की टार फाइल मिल रही है। बाइनरी फाइल का मतलब है कि अपने को बाइनरी फाइल डाउनलोड करनी है। बाइनरी का मतलब होता है आपको डायरेक्टली पैकेज मिल रहे हैं जिसको आपको डायरेक्टली क्या करना है, यूज़ करना है। तो हमेशा जब भी आप डाउनलोड करो टूल्स, आप हमेशा बाइनरी फाइल्स डाउनलोड करोगे। बाइनरी फाइल्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास टूल है, जैसे हमने जावा का बाइनरी पैकेज डाउनलोड किया था, उसको कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। टार फाइल का मतलब है कि हमें सोर्स कोड कंपाइल करना पड़ेगा। तो ये फाइल आप डाउनलोड कर लो, scoop.tar.gz फाइल,
हडोप 200, हडोप 2 के लिए दी हुई है, पर हडोप 3 पे चला के देखेंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हडोप 2 और 3 में। तो इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के लिए मैंने लिनक्स में काम कर रहा हूँ तो मैं फ़ाइल को सेव कर लूँगा, एंड ये अपने फाइल डाउनलोड कर ली। तो जैसे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, स्कोप की स्टेप्स आर वेरी सिंपल। क्या स्टेप्स है अपने, सिंपल स्टेप्स में क्या है कि सबसे पहले अपन उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने फाइल डाउनलोड करी है। तो अपने को पता ही, अपन हडूप जैसे काम करें सारा, तो इसमें अपन जाएंगे सीडी डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स में आपको जैसे एनाकोंडा की फाइल मिल रही थी, एनाकोंडा शायद अपन इंस्टॉल कर लिया है 3.8.5। हाँ एनाकोंडा अपन इंस्टॉल कर लिया, मैं फाइल रिमूव कर देता हूँ, एनाकोंडा वाली फाइल में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास एक फाइल है स्कूप वाली फाइल, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वही tar_xf हडूप। तो इसको अपन ने यूज़ किया tar_xf स्कूप, सॉरी स्कूप वाली फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया अपन ने। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में अपन रिमूव कर देंगे अपनी टार फाइल को, तो hadoop.tar फाइल को अपन डिलीट कर देते हैं। ये जो फोल्डर है स्कूप वाला, इस फोल्डर को अपन चेक कर सकते हैं कि स्कूप के फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है, बिन वगैरह। इसको पूरा का पूरा मूव करना है, जैसे अपन ने hadoop को मूव किया था। तो sudo मूव किया अपने स्कूप फोल्डर को, कहाँ पे मूव किया, स्लेश यूजर लोकल के अंदर। और फिर अपन जाएंगे यूज़र लोकल में और चेक करेंगे कि वहाँ पे ये फाइल मूव हुई है या नहीं हुई है। तो स्कूप वाला फोल्डर मूव हो गया, आप जाओगे सीडी स्कूप फोल्डर में। तो स्कूप फोल्डर का मतलब स्कूप इंस्टॉल हो गया। अगर आप इसमें बिन फोल्डर में जाओगे करंट डायरेक्टरी के अंदर और वहाँ से आप स्कूप कमांड चलाना चाहोगे, हाइफन हाइफन वर्जन आप रन करोगे, ठीक है, तो बोल रहा है स्कूप नोसेस फाइल डायरेक्टरी, बिन के अंदर अपने कमांड नहीं है स्कूप, स्कूप डॉट एस एच कमांड है। तो आपको स्कूप डॉट एस एच कमांड यूज़ करना पड़ेगा, आप हाइफन हाइफन वर्जन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या ये बोल रहा है कि नहीं रिकग्नाइज है अपनी, स्कूप कमांड कहाँ मिलेगी अपने को, टूल्स शेल बिन डायरेक्टरी में मिलनी चाहिए स्कोप कमांड, स्कोप शेल स्कोप टू सर्वर स्कोप टू डॉट एस एच स्कोप डॉट एस एच, स्कोप कमांड कहाँ है, सर्वर में होगा ना, सर्वर के अंदर बिन के अंदर यहाँ पे स्कोप कमांड होगी, यहाँ पे भी स्कोप डॉट एस एच कमांड रखी हुई है। इन्होंने स्कोप कमांड कहाँ रखी हुई है, शेल में चेक करें, नहीं, टूल्स स्कूप कमांड ही नहीं है, फाइंड डॉट स्लेश हाइफन नेम स्कूप, कोई बात नहीं, अपना पैकेज अगर सही है तो अपन उसको यूज कर पाएंगे। स्कोप सर्वर स्टार्ट स्कोप सर्वर स्टॉप, ये कमांड अपने को दिया हुआ है, स्कोप कमांड अपने को नहीं मिल रही है। चलो इसको कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट टाइम पे करेंगे, हो सकता है मैंने गलत पैकेज डाउनलोड कर लिया हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज अपना आप डेटाबेस अपना इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, जो भी आपका डेटाबेस है वो आप इंस्टॉल कर लेना, और डेटाबेस के जितने भी कमांड्स हैं आप उन कमांड्स को रन कर लेना। तो डेटाबेस इंस्टॉल एंड रन ऑल डेटाबेस कमांड्स ऑन लिनक्स सिस्टम। दूसरी चीज आप क्या करोगे, रिस्टोर योर डेटाबेसेस, ठीक है, तो अपने डेटाबेसेस रिस्टोर कर लेंगे। हो सकता है अपने गलत पैकेज डाउनलोड कर लिया हो, तो मैं ये वेरीफाई कर लूँगा कि क्या किया है अपन ने, या हो सकता है स्कूप वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन अपन यूज़ कर रहे हैं 1.9, उसमें कुछ आर्किटेक्चर चेंज होगा, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा वो पहले, तो वो चेक करके फिर नेक्स्ट क्लास में अपन स्कूप को कॉन्फिगर कर लेंगे। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो अपना टारगेट होगा कि अपन वहाँ पे स्कूप इंस्टॉल करके स्कूप खत्म करने का काम करेंगे अपन। तो स्कूप से अपन इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, स्कूप इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप सर्टिफिकेट भी करना चाहते हो बिग डेटा का, लाइक क्लाउड का सर्टिफिकेट करना चाहते हो, तो वहाँ पे स्कूप और फ्ल्यूम ये दोनों टॉपिक्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि हाइव इतना यूजफुल नहीं है, इतना लोग यूज़ नहीं करते हाइव को, बट स्कूप और फ्ल्यूम इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पर्पज से हाइव इंपॉर्टेंट है। कुछ पूछना है किसी को तो बताओ यहाँ तक। कुछ पूछना है किसी को?
ये काम कर लोगे ना, किसी को डाउट नहीं ना इसमें किसी को। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एंड आप डेटाबेस इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम पे स्कूप कॉन्फिगर कर लेंगे, जो भी होगा स्कूप अपन रन करेंगे, उसके बाद फिर अपन फ्लूम पे आ जाएंगे। ठीक है गाइस, सो टेक केयर एंड नेक्स्ट टाइम अपन क्लास 10 बजे रखेंगे, 10 AM, ठीक है, ताकि अपन 10 से 12 AM पूरा यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट जो सैटरडे संडे होगा जो भी क्लास होगी वो 10 AM से होगी, मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में करस्पॉन्डिंग। ओके, सो बाय गाइस, विल टेक केयर।